वेलकम टू जेनिक। तो पिछले लेक्चर में हमने चैनल कैपेसिटी के बारे में डिस्कशन किया था ऑफ अ बाइनरी सिमेट्रिक चैनल। अब बाइनरी सिमेट्रिक चैनल पढ़ रहे हैं तो पहले बाइनरी सिमेट्रिक चैनल कंप्लीट कर लेते हैं, देन बाइनरी एसिमेट्रिक चैनल पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो अब अगला चीज जो इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं, बाइनरी सिमेट्रिक चैनल के केस में आपसे एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर पूछी जाती है। दो तीन डिफरेंट टाइप के एरर्स आपसे पूछे जाते हैं और हर टाइप के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपके लिए बेसिक्स आपके बहुत राइट होने चाहिए। तो उसको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं इस लेक्चर में उसी के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या हैं, तो उसको कैसे आप टैकल करोगे वो डिस्कशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, अगर इस लेक्चर को लगेगा कि टाइम बचा है तो इसी लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद बाइनरी एसिमेट्रिक चैनल लेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ या एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर उसी को कह रहे हैं, कैलकुलेशन इन बाइनरी सिमेट्रिक चैनल, BSC कहीं कहीं लिखा रहता है बाइनरी सिमेट्रिक चैनल। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो इतना सिंप्लीफाई इसको कर दूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप इजिली बना लोगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम गेट के लेंगे भी बाद में, है ना। कुछ क्वेश्चन इस लेक्चर के बाद लेंगे, कुछ क्वेश्चन हो सकता है एक साथ पूरे चैप्टर के कुछ अच्छे क्वेश्चन हम बाद में एकदम लास्ट में लेंगे, है ना। जो चीजें आपने पढ़ ली होंगी पूरे चैप्टर का उसका यूज करने के लिए। तो बाइनरी सिमेट्रिक चैनल क्या होता था, बाइनरी चैनल है मतलब 0 और 1 ट्रांसमिशन कर रहा है ना, ये आउटपुट पे 0 या 1 मिल रहा है। इसको अच्छे से एकदम डिस्कस करते हैं। 0 का 1 में रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी, यही प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन 1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन 1 दोनों सेम है। तो 0 के 0 रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस एप्साइलन। 0 भेजा एज ए 1 रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी एप्साइलन, और 0 के फिर 0 रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी क्या 1 माइनस एप्साइलन, क्योंकि 0 एज ए 0 रिसीव होगा एज ए 1, है ना। इस इंड पे एक तरह से आप समझ लो x है और इस इंड पे आपका y है, ठीक है ना। बाइनरी सिमेट्रिक चैनल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बाइनरी सिमेट्रिक चैनल में 1 और 0 में जो एरर है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर सेम है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइनरी सिमेट्रिक चैनल। मतलब जो आपका प्रोबेबिलिटी y1 रिसीव होने की है अगर x0 भेजा जाए, ये एप्साइलन है, एंड इट इज कॉल्ड एज क्या है, प्रोबेबिलिटी, इट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन 0। जब आपने 0 भेजा तब उसके एरर में रिसीव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन 0, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ y0 रिसीव हुआ, अगर प्रोबेबिलिटी y0 रिसीव होने की क्या, अगर x1 भेजे वो भी एप्साइलन है, इट इज आल्सो, जब एसिमेट्रिक चैनल रहेगा तो यही एप्साइलन 1 होगा, ये एप्साइलन 2 हो जाएगा, या ये एप्साइलन 0 और ये एप्साइलन 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड एज एकदम बेसिक से समझेंगे, फॉर्मूला रटवाऊंगा नहीं, लॉजिकली बताऊंगा चीजें ताकि आपको कुछ दाएं बाएं करें तो आप सोच पाओ। एक्चुअली होता क्या है, इस केस में आप डायरेक्टली 2-3 टाइप देख लेते हो, वो कैसे आ रहा है वो नहीं देखते, उस टाइप को आप रट लेते हो, टाइप को रट लेते हो तो वैसा क्वेश्चन आता तो बन जाता है, लेकिन वो टाइप आया कहां से, उसका बेस कहां से था, अगर ओरिजिन भी आपको पता है तो आपको कोई जनरल क्वेश्चन भी देगा तो यू कैन बी एबल टू रिलेट द लर्निंग, जो आपने सीखा है उसको रिलेट कर सकते। इट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन 1। तो 1 और 0 दोनों में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या है, एप्साइलन है, है ना। तो 0 भेजोगे तो इसके एरर में रिसीव होने की, मतलब एज ए 1 रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी एप्साइलन है, 1 भेजोगे तो उसको एज ए 0 रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी एप्साइलन है। तो इसको कहेंगे 1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, इसको कहेंगे 0 में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। ऑब्वियस सी बात है, 0 में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, भेजा आपने 0 लेकिन वो एज ए 1 रिसीव हो गया तो 0 में एरर आ गई, वो एज ए 1 रिसीव हुआ। 1 भेजा आपने एज ए 0 रिसीव हो गया तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, है ना। तो वो प्रोबेबिलिटी क्या है, एप्साइलन है। अब देखो क्या पूछा जाता है आपसे, एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं सारे कराऊंगा और मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, जब एक ही कॉइन को n बार टॉस करें, एक ही डाइस को n बार अगर फेंकें तो वहां पे प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालते थे उसको मैं यहां पे बताऊंगा, तो वो प्रोबेबिलिटी की नॉलेज यहां पे हमें काम आने वाली है ना। वो हालांकि जो प्रोबेबिलिटी डिस्कशन मैंने किया उसका डिस्कशन नहीं किया था, तो वो डिस्कशन यहां करूंगा। अगर एक ही कॉइन को n बार टॉस करें और आपसे पूछा जाए 2 हेड आने की या 2 टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या
दो सिक्स आने की क्या प्रॉपर्टी, एक ही डाइस को अगर एन बार टास्क किया जाए तो कैसे निकालते हैं ये देखेंगे, ठीक है ना। एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फिर क्या होगी बाइनरी सिमेट्रिक चैनल की, एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, एवरेज पूछा जाता है, इसका मतलब क्या है समझो इसका मतलब, ताकि आप किसी भी चैनल की आप निकाल पाओ। एवरेज, व्हाट इज द एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन केस ऑफ बाइनरी सिमेट्रिक चैनल। अब आपने क्या किया, 100 बिट भेजे, उसमें से कुछ जीरोस होंगे कुछ वंस होंगे, है ना, 100 बिट लेट से भेजा। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज के मतलब समझ जाओगे तो बहुत इजीली निकालो। एवरेज का क्या मतलब है, आपने भाई 100 बिट भेजी यहां से ट्रांसमीटर से, उसमें से उन 100 बिट में टोटल कितना एरर पॉसिबल हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर डिवाइडेड बाई 100 कर दूं तो मुझे एक सिंगल बिट में एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या हो सकती है, एवरेज एरर क्या पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। भाई आप जैसे हम एवरेज निकालते थे ना, 10 लोग क्लास में है तो उनका एवरेज वेट क्या, किसी का ज्यादा किसी का कम, है ना, इस तरह से हम निकालते थे। तो एवरेज प्रोबेबिलिटी एरर का क्या मतलब है, भाई आप 100 बिट भेजो, टोटल 100 बिट में जो टोटल एरर आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर डिवाइडेड बाई 100 कर दोगे तो एक सिंगल बिट में आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, और उसको क्या कहोगे, एवरेज आउट आपने किया तो एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कहोगे हमेशा, है ना। तो आप अगर n बिट्स भेजते हो ट्रांसमीटर एंड से और रिसीवर एंड पे n बिट्स रिसीव भी होती हैं, उसमें कुछ में एरर होगा कुछ में एरर नहीं होगा, तो जो n बिट्स आपने भेजी उसमें से कुछ बिट एरर में आई आउटपुट पे, कुछ बिट एरर में नहीं आई, ऑब्वियस सी बात है किसी पे नॉइज का इफेक्ट आएगा किसी पे नहीं, कुछ में एरर आएगा कुछ में नहीं, तो उन 100 बिट का जब आउटपुट पे वो मिल गई टोटल एरर कितना हुआ, कुछ में एरर है कुछ में एरर जीरो है, तो टोटल एरर उन 100 बिट्स का कितना हुआ, है ना, आउटपुट पे जब रिसीव हो गई डिवाइडेड बाई 100, तो हम कहेंगे एक सिंगल बिट में एवरेज एरर कितने होने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन अ सिंगल बिट इज कॉल्ड एज एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, ना जब हम एवरेज आउट कर देंगे तो उसी को कहेंगे एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। अगर हम 100 बिट सेंड कर रहे हैं तो इस 100 बिट का टोटल एरर, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, एक सिंगल बिट में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या होगी, है ना। तो इसको लिखते हैं एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन ए सिंगल बिट ट्रांसमिशन, इन ए सिंगल बिट ट्रांसमिशन, है ना, वो बिट जीरो भी हो सकती है वो बिट वन भी हो सकती है ना, एक सिंगल बिट में। अब हम एक सिंगल बिट के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, हम हो सकता है जीरो भी भेजें वन भी भेजें, बहुत सारे जीरोस हमने भेजे एन बिट में, बहुत सारे वंस भेजे, टोटल एन बिट भेजे, उसमें कुछ जीरोस में एरर आई कुछ वंस में एरर आई, कुछ जीरोस में एरर नहीं आई कुछ वंस में एरर नहीं आई, तो टोटल एन बिट्स में कितना एरर आया उसको डिवाइड कर दे टोटल नंबर ऑफ बिट्स से, तो एक सिंगल बिट में, वो सिंगल बिट जीरो भी हो सकती है सिंगल बिट वन भी हो सकती है, उसमें एवरेज कितनी एरर है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, उसी को एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कहेंगे, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कितनी उसी को एवरेज कहेंगे, ना। तो मतलब समझ में आ रहा है, तो एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, ऑफ एरर इन ए सिंगल बिट ट्रांसमिशन, दैट बिट कुड बी जीरो दैट बिट कुड बी वन, है ना, इज कॉल्ड एज एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। ये सब सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है, और इसका बेसिक कहां से आ रहा है ना, तो आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा ना बहुत सिंपल लगेगा, मैं डायरेक्टली, है ना, ऐसा नहीं कि बस फार्मूला रटवा दूं जैसा लोग करते हैं, वैसा नहीं। अब देखो, लेट्स से हम यहां पे ले लेते हैं 100 बिट्स, कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स से अब देखो यक्स जो है आपका 0 1 है, लेट्स से 0 इमिट करने की प्रोबेबिलिटी अल्फा कुछ भी हो सकती है, 1 इमिट करने की प्रोबेबिलिटी फिर 1 माइनस अल्फा होगी, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकते हैं अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकते हैं, है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करके हम चैनल को मैक्सिमम यूटिलाइज करते थे, कैपेसिटी के बराबर यूटिलाइज करते थे, है ना, अल्फा 1 माइनस अल्फा। अब देखो अगर हम यहां से 100 बिट भेज रहे हैं, 100 बिट हमने लेट्स से ट्रांसमिट किया ट्रांसमीटर इन से, लेट्स 100 बिट्स वी आर ट्रांसमिटिंग फ्रॉम द ट्रांसमीटर इन, वो 100 बिट्स यहां रिसीव होंगी और उसमें एरर्स आएंगी, है ना, उसमें एरर्स आएंगी, तो टोटल 100 बिट्स जो रिसीव हुई उनका टोटल एरर डिवाइडेड बाय 100 कर दें तो एक सिंगल बिट में एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या होगी जब उसको हम ट्रांसमिट करेंगे ओवर दिस चैनल, वही है एवरेज प्रोबेबिलिटी एरर, ठीक है, एक सिंगल बिट में, दैट बिट कुड बी जीरो दैट बिट कुड बी वन, है ना, हम एवरेज आउट कर रहे हैं, होता है ना किसी में ज्यादा एरर है किसी में कम एरर है ना, तो
एवरेज एक बिट में कितना एरर है, बस हम ये निकाल लें। हो सकता है वन में, यहाँ पे वन और जीरो का एरर सेम है, वन में एरर ज्यादा होता है, जीरो में एरर कम होता, तो टोटल एरर निकालते फिर एवरेज आउट कर देते कि एक सिंगल बिट चाहे वो जीरो हो चाहे वन हो उसमें एवरेज कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम 100 बिट अगर यहां से ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उस 100 बिट में से कितने जीरो बिट होंगे बताओ, जीरो इमिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अल्फा है, तो 100 बिट में कितने जीरोस होंगे, 100 अल्फा जीरोस होंगे, और वंस कितने आप होंगे, जब अगर आप 100 बिट ट्रांसमिट करके भेज रहा है तो ट्रांसमीटर 100 बिट इमिट कर रहा है, उस 100 बिट में अल्फा प्रोबेबिलिटी है जीरो इमिट करने की, 1 माइनस अल्फा है 1 इमिट करने की, तो 100 आपके 100 में से कितने जीरो इमिट हुए होंगे प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट में, 100 इनटू अल्फा, और कितने वंस इमिट हुए होंगे, 1 माइनस अल्फा, इतने इतने जीरो इमिट किया होगा, इतने वंस, दोनों को समेशन करो, जीरो और वन दोनों मिला के टोटल कितने होंगे, 100 आ जाएंगे, 100 अल्फा, 100 माइनस 100 अल्फा, 100 अल्फा, 100 अल्फा कर 100 बच जाएगा, टोटल 100 बिट्स इसने इमिट किया, उसमें से 100 अल्फा जीरोस हैं और 100 इनटू 1 माइनस अल्फा क्या है, वंस इमिट किया इसने बेस्ड ऑन द इस्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जब भी कोई बिट इमिट करता हो तो उसमें अल्फा चांस रहते हैं जीरो इमिट करने के, 1 माइनस अल्फा 1 के, तो 100 इमिट किया तो 100 में 100 इनटू अल्फा चांस होंगे जीरो इमिट करने के, 100 इनटू 1 माइनस अल्फा वंस वो इमिट किया होगा। अब देखो, जब हम एक जीरो भेजते हैं तो उसमें एवरेज उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कितनी होती है, एप्साइलन, देन टोटल एरर इन ऑल द 100 अल्फा जीरोस इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू, उसको मान लेते हैं एरर को इवन से, टोटल एरर, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, हम यहां प्रोबेबिलिटी ही मेजर करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन ऑल द 100 अल्फा जीरोस इज इक्वल टू, एक जीरो में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कितनी है, एप्साइलन, तो 100 अल्फा में कितनी होगी, हर जीरो में कितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है, एप्साइलन, तो 100 अल्फा जीरोस में कितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होगी, 100 अल्फा इनटू एप्साइलन, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, मैं ये कैलकुलेशन इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि यही कैलकुलेशन मैं एसिमेट्रिक में भी करूंगा, है ना, बहुत लोग आपको रटवा देंगे, अभी हम देखेंगे कि एप्साइलन ही आएगा एवरेज प्रोबेबिलिटी एरर अभी करने वाले हैं, तो उसका भी लॉजिक समझेंगे, लेकिन वो आ कहां से रहा है वो समझना सबसे जरूरी, एवरेज निकालने का मतलब क्या था, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन ऑल द कितने वन ट्रांसमिट किए, 100 वन माइनस अल्फा वंस, जो वंस आपने ट्रांसमिट किए, ई टू इज इक्वल टू, एक वन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कितनी है एप्साइलन की, तो 100 इंटू 1 माइनस अल्फा में कितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर पॉसिबल है, इतने की, है ना, तो टोटल एरर इन ऑल द 100 बिट्स, इतने जीरोस आपने भेजे थे 100 में और इतने बाकी बचे वंस भेजे थे, जीरो में टोटल एरर इतनी पॉसिबल थी, सारे जीरोस का मिला के, सारे वंस का एरर मिला के इतनी पॉसिबल थी, देयरफॉर टोटल एरर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है ना, यहां जो एरर है वो प्रोबेबिलिटी में मेजर करने, प्रोबेबिलिटी के टर्म में, तो उसको हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कहेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन ऑल द 100 बिट्स, उसमें से कुछ जीरोस हैं कुछ वंस हैं, ई इज इक्वल टू क्या, जीरोस में जो एरर है सारे जीरोस में प्लस सारे वंस में, ऑब्वियस सी बात है, कितना आ गया बेटा, इसको निकाल के देखो, ये आ जाएगा 100 अल्फा इंटू एप्साइलन प्लस 100 एप्साइलन, इसको हम ब्रेक कर दे रहे हैं, 100 एप्साइलन माइनस 100 अल्फा इंटू एप्साइलन, दिस कम्स आउट टू बी 100 एप्साइलन आ गया, है ना, तो सारी जो 100 बिट्स आपने भेजी उसका टोटल एरर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मिला के कितना है 100 एप्साइलन, तो एक सिंगल बिट में एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या होगा, देयरफॉर एवरेज प्रोबेबिलिटी, उसको एवरेज कहेंगे कि सबका एवरेज ले लो, एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, कई बार आपसे एवरेज पूछा जाता है, देयरफॉर एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन अ सिंगल बिट, वो सिंगल बिट कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हमने वंस 100 बिट भेजे उसमें से कुछ जीरो थे कुछ वंस थे, सबका समेशन कर दिया है ना, है ना, तो अब एक बिट पे वो बिट कुछ भी वन भी जीरो हो सकती है, उसमें एवरेज एरर कितनी होगी वो निकाल रहे हैं, 100 बिट का टोटल एरर, टोटल एरर 100 एप्साइलन डिवाइडेड बाय 100 बिट का ये टोटल एरर था, तो एक सिंगल बिट में कितना एरर होगा, ये 100 बिट में कुछ भी जीरो वन कुछ भी हो सकते हैं ना, एप्साइलन, तो एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन ए सिंगल बिट इन केस ऑफ बाइनरी सिमेट्रिक चैनल इज नथिंग बट एप्साइलन की वैल्यू के बराबर ही होता है, ये देखो आना भी चाहिए था, क्यों,
क्योंकि वन जीरो में एरर होने की पॉसिबिलिटी क्या थी, एप्साइलन ही थी। वन में भी पॉसिबिलिटी एरर की क्या थी, एप्साइलन ही थी। दोनों में एरर क्या था, सेम था, इसीलिए जब हमने एवरेज आउट किया तो भी एप्साइलन आ गया। मैं कहूं अगर क्लास में सबका वेट सेम है तो ओवरऑल एवरेज वेट भी क्या होगा, एक सिंगल वेट के बराबर ही हो जाएगा, एक सिंगल आदमी के वेट के बराबर। किसी का ज्यादा किसी का कम होता तो एवरेज निकालते तो कुछ इवन आउट होके आता है, ज्यादा कम मिला के बीच में कुछ आता। अगर यही होता कि जीरो में एरर एप्साइलन जीरो होता और वन में एरर एप्साइलन वन होता तो ये यहाँ पे ये समेशन कैंसिल आउट नहीं होता, 100 एप्साइलन ये नहीं आउट होता। तो ये एप्साइलन वन और एप्साइलन जीरो एप्साइलन नॉट के टर्म में ये आता एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, क्योंकि जितने जीरोस भेजे उसमें अलग एरर आती, 100 इंटू एप्साइलन जीरो आती है ना, 100 अल्फा इंटू एप्साइलन जीरो, और वंस में एरर आती 100 इंटू वन माइनस अल्फा इंटू एप्साइलन वन है ना। तो वंस की टोटल एरर अलग, जितने वंस भेजे टोटल एरर आपके किसके, आपके किसके, आपके जीरोज के टोटल एरर है, सबको समेशन कर देते तो आप एवरेज एक बिट में कितना एरर होता तो वो एप्साइलन जीरो और एप्साइलन वन दोनों का फंक्शन होता है ना, जीरो और क्योंकि यहां कैंसिल आउट कुछ नहीं होता है ना। किसी में एरर ज्यादा एप्साइलन जीरो और एप्साइलन वन की वैल्यू पे डिपेंड करता कि किस में एरर ज्यादा है किस में कम है, जीरो में एरर ज्यादा है कि वन में, वो बाइनरी एसिमेट्रिक चैनल में यही होगा। किसी में एरर ज्यादा होगी, जीरो में एरर ज्यादा होगी तो वन में कम, वन में ज्यादा होगी तो जीरो में कम है ना। तो कहीं पे एरर ज्यादा कहीं पे कम तो वहां फिर हम एवरेज निकालते हैं कि एक सिंगल बिट भेजें चाहे वो वन हो चाहे जीरो हो तो उसमें एवरेज कितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होगी। जीरो भेजेंगे हो सकता है एप्सिलॉन जीरो 0.2 हो, एप्सिलॉन 1.3, मतलब जीरो भेजेंगे तो कम एरर आ रही 0.2, वन भेजेंगे तो 0.3 की एरर आ रही। तो मैं कहूं एक सिंगल बिट में भेज रहा हूं ये जीरो है या वन है तो क्या कहूंगा, फिर एवरेज निकालूंगा कि एवरेज कितनी एरर होगी। कोई अगर एक सिंगल बिट भेज रहा हूं तो उसको क्या लेना पड़ेगा, आपको उसका एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा तो एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन सिंगल बिट आएगी, तो वो एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन वन का फंक्शन आती। यहां पे दोनों में एरर सेम था तो जब एवरेज निकाला तो वो एक सिंगल के बराबर ही आ गया। जैसे आप सोचो 10 लोगों के क्लास का में वेट सेम है तो उसका एवरेज भी एक सिंगल वेट के बराबर ही आएगा है ना, ठीक है। तो वही चीज हुआ। तो अब आपको एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का प्रोसीजर यही है, आप लेट से 100 बिट ट्रांसमिट कर रहे हो उसमें कितने जीरोस कितने वंस है वो कौन डिसाइड करेगा, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट ट्रांसमिटर, कि जीरो इमिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1, उसमें से कितने जीरोज होंगे कितने वन है वो डिसाइड करो, सारे जीरोज में कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो निकाल लो, जितने वंस है उसमें टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कितना हो गया। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑल द जीरोज एंड ऑल द वंस, मतलब टोटल 100 बिट्स में टोटल कितनी एरर पॉसिबल है वो डिवाइडेड बाय 100, एक सिंगल बिट में आ गया। 100 बिट में इतना टोटल एरर है तो एक बिट में एवरेज कितना एरर है डिवाइड बाय 100 कर दो, एक बिट में एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हो जाएगी। वो एक बिट कुछ भी हो सकती है, कुड बी जीरो कुड बी वन है ना, उसको कहते हैं एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। दिमाग खुला। तो बाइनरी सिमेट्रिक चैनल के केस में याद रखो एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज सेम एज द एरर इन जीरो और एरर इन वन। जो एरर जीरो में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है या वन ट्रांसमिशन में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वही एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होती है। इनकेस आप बाइनरी सिमेट्रिक चैनल निकाल के दिखा दिया, इसको आप एन भी ले सकते थे तब भी यही आंसर आता, ठीक है। लिख लो, इनकेस ऑफ बाइनरी सिमेट्रिक चैनल, इनकेस ऑफ बाइनरी सिमेट्रिक चैनल, ये लिख करवाना इसलिए सिखाया कि यही चीज मैं यूज करूंगा बाइनरी एसिमेट्रिक के केस में। इन केस ऑफ बाइनरी सिमेट्रिक चैनल, इन केस ऑफ बाइनरी सिमेट्रिक चैनल द एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन ए सिंगल बिट ट्रांसमिशन, अब वो बिट कुछ भी हो सकती है जीरो या वन, तो हम एवरेज निकाल लें, एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन ए सिंगल बिट ट्रांसमिशन, इन ए सिंगल बिट ट्रांसमिशन इज इक्वल टू द एप्साइलन, इज इक्वल टू एप्साइलन, दैट इज इक्वल टू द probability of error, is equal to the probability of error in zero transmission or probability of error in one transmission, क्योंकि दोनों ही epsilon के बराबर होते हैं, is equal to the probability of error in zero transmission or probability of error in one transmission, दोनों चीजें same होती हैं। ये पहली case हो गई एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन सिंगल बिट। अब देखो अगले टाइप का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है वो भी डिस्कस करते हैं। चीजों को एकदम बेसिक मैथ से रिलेट किया करो, आप रट्टा मत मारो, वो चीज कैसे आ रही है उसके डेप्थ में चले जाओगे तो कोई क्वेश्चन फंसाने को भी कहेगा ना तो आप नहीं फंसोगे, ठीक है ना। तो मैं उसी पर्पज से पढ़ा रहा हूं, रट्टा मरवा के नहीं कि ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है। अब अगली चीज आ जाते हैं, अगले टाइप का क्या क्वेश्चन है। तो एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एप्सिलॉन के बराबर निकाल के मुझे दिखाना था, मुझे रटवाना नहीं था, ठीक है ना। अब अगली चीज देखो क्या होगी,
समझने की कोशिश करते हैं। अगली चीज जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वो कह देंगे हमने 200 बिट्स भेजी, 200 बिट्स भेजी इस बाइनरी सिमेट्रिक चैनल के ऊपर, 200 बिट्स भेज दी हमने, ठीक है। अब ऐसी बात है, 200 बिट क्या 200 बार में हो सकता है भेजी हो, एक बिट एक बार में हो सकता है भेजी हो, ठीक है ना। लेट्स से एप्साइलन की वैल्यू आपको गिवन होगी, एवरेज मतलब जीरो के ट्रांसमिशन में कितना एरर है, वन के ट्रांसमिशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कितना है, और एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर भी क्या होगा जी। अब यहां पे देखो एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या है, एप्साइलन है, मतलब कोई भी बिट आप भेजोगे तो उसमें एरर में होने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एप्साइलन है, चाहे आप जीरो भेज रहे होगे चाहे आप वन, क्योंकि जीरो में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एप्साइलन ही पॉसिबल है, वन में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एप्साइलन ही पॉसिबल है। तो मैं बाइनरी सिमेट्रिक चैनल में यह कह सकता हूं कि किसी बिट के, कोई भी बिट हो वो जीरो हो या वन हो, किसी बिट के एरर में होने की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होती है वो एप्साइलन होता है। कोई बिट अगर मैं भेज रहा हूं, चाहे वो मैं जीरो भेज रहा हूं चाहे मैं वो वन भेज रहा हूं, उसके एरर में होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, एप्साइलन, बाइनरी सिमेट्रिक चैनल में, चाहे वो बिट जीरो में भेज रहा हूं चाहे बिट वो वन भेज रहा हूं। सबसे पहली बात तो किसी बिट के, आप ये चीज पहले लिख लो, इन इसको भी पॉइंट में डाल लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन केस ऑफ बाइनरी सिमेट्रिक चैनल, क्योंकि अगला डिस्कशन उसी से रिलेटेड है, इन केस ऑफ बाइनरी सिमेट्रिक चैनल, इन केस ऑफ बाइनरी सिमेट्रिक चैनल द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन ए सिंगल बिट ट्रांसमिशन, ब्रैकेट में लिख लो, बिट कुड बी जीरो बिट कुड बी वन, है ना, बिट कुड बी जीरो आर कुड बी वन, है ना। The probability of error in a single bit transmission is, in a single bit transmission is equal to epsilon, is equal to the epsilon value। मतलब किसी के bit, किसी bit के transmission में probability of error कितना हो सकता है, एप्साइलन हो सकता है, वो चाहे बिट आप जीरो भेज रहे हो चाहे वन। तो कोई, मैं कहूं एक बिट मैं भेज रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा हूं जीरो भेज रहा हूं कि वन भेज रहा हूं, तो एक बिट अगर मैं भेज रहा हूं उस बिट के एरर में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एप्साइलन, तो एरर में ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन माइनस एप्साइलन, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, ये बात निकल के आई। तो बाइनरी सिमेट्रिक चैनल में कोई बिट अगर मैं भेज रहा हूं उसके एरर में होने की सिंपल सी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जितनी जीरो के ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी होती है वही वन के ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होती है, तो वही किसी सिंगल बिट के ट्रांसमिशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होती है। वो बिट कुछ भी भेजो, मैं कोई बिट अगर मैं कह रहा हूं बाइनरी सिमेट्रिक चैनल पर मैं एक बिट भेज रहा हूं उसके एरर में होने की प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन होगी, चाहे वो बिट जीरो भेज रहे हो चाहे वन हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप जीरो भेज रहे हो कि वन हो रहे हो, हमेशा एप्सिलॉन होगी, और वही एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर भी आई थी। बात समझ में आई। अब देखो अगला क्वेश्चन वो क्या पूछते हैं कि हमने इस चैनल के ऊपर 200 बिट्स भेजे, ऑब्वियसली एक एक करके भेजे होंगे, पहले एक बिट फिर दूसरा बिट फिर तीसरा बिट फिर 200 बिट्स भेजे होंगे, और आपको ये एप्सिलॉन गिवन है, एप्सिलॉन गिवन है एंड इट इज Neither zero nor one, हम मान लेते हैं ना, तो ये जीरो है ना तो वन है, एप्साइलन कोई जीरो और वन के बीच की वैल्यू है मान लेते हैं, क्योंकि जीरो और वन पे जब ये होता है तो एरर फ्री ट्रांसमिशन होता है, कोई एरर के चांस ही नहीं होते हैं ना, मतलब नॉइज फ्री कैपेसिटी, कैपेसिटी भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है वन के बराबर। अब देखो अगर हम 200 बिट्स भेजते हैं, वो अगला क्वेश्चन आपसे क्या भेजते हैं, इफ 200 बिट्स हैज बीन सेंट ओवर दिस बाइनरी सिमेट्रिक चैनल, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बिट्स विल बी इन एरर, वो नहीं बता रहे हैं कितने जीरोस कितने वंस भेज रहे हैं, 200 बिट्स अगर हमने इस बाइनरी सिमेट्रिक चैनल के ऊपर भेजा तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इस तरह से पूछ देंगे एट मोस्ट 1 बिट विल बी इन एरर, या एग्जैक्टली 2 बिट्स विल बी इन एरर, या एटलीस्ट 1 बिट विल बी इन एरर, इस तरह से वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ना, सब टाइप का। अब देखो इस डिस्कशन के लिए अगर हमने 200 बिट्स भेजे, 200 में से कोई भी बिट हो, इनपुट के, अब इनपुट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता होगा तो हम बता भी सकते हैं कि 200 में से कितने जीरोस होंगे कितने वन, लेकिन उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम क्योंकि बाइनरी सिमेट्रिक चैनल में हम जानते हैं, अब ये अल्फा पता हो ना पता हो इससे कोई मतलब नहीं, अगर वंस इट इज सेड दैट बाइनरी सिमेट्रिक चैनल है तो चाहे आप जीरो भेज रहे हो इस 200 में बीस में से कुछ जीरोस होंगे कुछ वंस हो, कोई एक सिंगल बिट जब भी आप भेज रहे हो चाहे वो जीरो हो चाहे वन हो, उसमें एरर होने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एप्साइलन ही है, इरिस्पेक्टिव कि आप जीरो भेज रहे हो कि वन, तो ये सारे 200 के 200 हो, अगर वन भेज रहे हो तो भी हर सिंगल बिट में एरर होने के चांस एप्साइलन ही है, सारे के सारे जीरोस भेज रहे हो तब भी हर सिंगल बिट में
आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एप्साइलन है, कोई जीरो भेज रहे हो कोई वन, तो हर बिट में तब भी इरिस्पेक्टिव कि आप जीरो भेज रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या है, एप्साइलन ही है। इसलिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इनपुट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता हो ना पता हो इट डजंट मैटर इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ दिस कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, है ना, समझ में बात आ रही है, क्योंकि इरिस्पेक्टिव है ना, कितने जीरोस कितने वंस भेज रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी एक बिट भेज रहे हो तो उसमें एरर के चांस इतने हैं। तो आपसे क्या पूछ लेते हैं, 200 बिट हमने अगर भेजा तो इसमें से एग्जैक्टली 10 बिट के एरर में होने के क्या चांसेज हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 10 बिट विल बी रिसीव्ड इन एरर। इसमें दो तीन केसेस हैं, सब मैं डिस्कस करूंगा ताकि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपसे तो छूटेगा नहीं, गारंटी है। 10 बिट विल बी रिसीव्ड इन एरर, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अब ये पूछ दिया। सिंगल बिट अगर आप कोई भेज रहे हो जीरो या वन, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या पॉसिबल है, एप्साइलन। और आपसे उन्होंने क्या पूछ दिया, 200 बिट्स हैज बीन सेंट ओवर दिस बाइनरी सिमेट्रिक चैनल वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन जीरो इज ट्रांसमिशन इज एप्साइलन वन, दोनों का सेम होता है, एक का दे देंगे तो दूसरे का ऑटोमेटिकली पता है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 10 बिट विल बी रिसीव्ड इन एरर। अब देखो एरर क्यों आ रही है, पहले ये चीज समझते हैं, क्वेश्चन को एकदम समझो, ये क्यों इन्होंने क्या किया, 200 बिट्स वो कहेंगे हम सीरियली भेज रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, एक ट्रांसमिशन में आप एक बिट भेज रहे हो, ऑब्वियस सी बात है। और मेरे को बताओ अगर एप्साइलन 0 से 1 के बीच में है किसी बाइनरी सिमेट्रिक चैनल में, तो उसकी कैपेसिटी जो होगी लेस देन 1 होगी कि नहीं होगी, कैपेसिटी 1 बिट पर ट्रांसमिशन होती है, कैपेसिटी की वैल्यू भी मैक्सिमम कब हो जाती है, 1 बिट पर ट्रांसमिशन होती है, जब एप्साइलन आपका 0 होता है या 1 होता है। अगर एप्साइलन 0 या 1 के बीच की कोई वैल्यू है तो हम कैपेसिटी वाला ये ग्राफ देखे थे ना, कैपेसिटी कहीं 1 और 0 के बीच में कोई 1 से कम वैल्यू होगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर यही एप्साइलन 1/2 ले लोगे तो 0 भी हो जाएगी, तो कैपेसिटी 1 बिट से कम है, मतलब पर ट्रांसमिशन आप 1 से कम ही बिट भेज सकते हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कम आपका 1 बिट से कम आप भेजोगे तभी पॉसिबल है पर ट्रांसमिशन की आप एरर फ्री कम्युनिकेशन कर पाओ, यही तो बताता है कैपेसिटी, है ना, पर ट्रांसमिशन 0.918, मान लो एप्सिलॉन की वैल्यू 0.2 के लिए 0.918 आ गया आपका, क्या 0.918 आ गया कैपेसिटी, मतलब 0.918 बिट आप पर ट्रांसमिशन भेजोगे तो एरर फ्री कम्युनिकेशन होगा। लेकिन आप सीरियली 1 बिट भेज रहे हो, इसका मतलब क्या है, जब आप 1 बिट भेज रहे हो मतलब कैपेसिटी से ज्यादा बिट भेज रहे हो पर ट्रांसमिशन, इसका मतलब एरर तो आएगी, एरर फ्री कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो कुछ बिट रिसीव्ड होंगी एरर में, कुछ रिसीव्ड एरर में नहीं होंगी। तो वही पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि 200 बिट अगर हमने भेजा इस बाइनरी सिमेट्रिक चैनल के ऊपर तो 10 बिट विल बी रिसीव्ड इन एरर, है ना, एरर की इसीलिए बात हो रही है। अगर आप पर ट्रांसमिशन कैपेसिटी जितनी है उससे कम बिट या उसके बराबर बिट भेजते पर ट्रांसमिशन तो कोई दिक्कत नहीं थी बेटा, आप एरर फ्री कम्युनिकेशन कर पाते, तब तो आर्बिट्रेरली जीरो एरर आपको मिलता। लेकिन ये एरर पूछ रहे हैं, मतलब एक नॉर्मली यही समझो कि एक बिट ट्रांसमिट कर रहे हैं और कैपेसिटी बाइनरी सिमेट्रिक चैनल की एप्सिलॉन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में 1 से कम ही होगी, तो आप 1 बिट पर ट्रांसमिशन भेज रहे हो और कैपेसिटी उससे कम है तो ऑब्वियसली एरर के चांस हैं। और वही पूछ रहा है कि 200 बिट भेजे तो 10 बिट एरर होने में क्या चांसेज है। अब देखो इसका लिंकअप कहां से है, ये कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, मैं आपको सिखाता हूं ये कैलकुलेशन आप कैसे करोगे। एक इस टाइप का क्वेश्चन पॉसिबल है, हर टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको एकदम मेंटली तैयार कर दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक और क्या होता है कि एक ही जीरो के लिए 3 जीरो भेजें 5 जीरो भेजें तब क्या होगा, है ना, इस तरह सबकी थिंकिंग एक ही जगह से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब देखो अगर आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन, क्या मान लो एक क्वायन है ठीक है, इसको आप n बार टास करते हो, एक होता ना एक ही क्वाइन को n बार टास किया, एक बार फिर दूसरी बार फिर तीसरी बार, है ना, तो n बार अगर आपने टास किया, लेट से 10 बार टास किया, है ना, ये चीज सीख लेते हैं क्वाइन और उसका केस, उसी से मैं इसको रिलेट कर दूंगा, बहुत ही ब्यूटीफुल है ना, बहुत इजीली फिर सॉल्व हो जाएगा ये सारी चीजें। क्वाइन है भाई साहब, एक ही क्वाइन है, क्वाइन का अगर क्वाइन को एक बार टास करे, इन वन टॉस हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1 एंड 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 है।
अब अगर इसी क्वाइन को आपने टॉस किया, लेट्स से हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टॉस्ड इट, 5 times, है ना, एक करके एक के बाद एक, पहले एक बार टॉस किया, फिर दूसरी बार टॉस किया, फिर तीसरी बार टॉस किया, फिर चौथी बार टॉस किया, फिर पांचवीं। आपसे क्या पूछेंगे, एक ही क्वाइन को आपने 5 times टॉस किया और हर जब एक टास्क कर रहे हो, इन वन टास्क आपके हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या, हेड नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा, टेल 1/2। तो आप ये कह सकते हो ना, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या, हेड आएगा या हेड नहीं आएगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑब्वियस सी बात है, मतलब टेल आ जाए तब हेड नहीं आएगा, 1/2 सिंगल टास्क में। अब अगर 5 times हमने क्वाइन को टॉस किया और उन्होंने पूछा एग्जैक्टली 3 heads आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये पूछा जाए, एग्जैक्टली 3 heads आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसमें 2-3 types के प्रोबेबिलिटी पूछे जाते हैं, मैं सबका डिस्कशन करता हूं और वही उसी को लिंक कर देता हूं इस पे, वही से लिंकअप है इसके 2-3 types के क्वेश्चन का, और सीधे सीधे आप आंसर लिख के आओगे एग्जाम में, है ना। 5 times अगर किया, एग्जैक्टली 3 heads आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, तो ये वाला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकालते हैं, ये प्रोबेबिलिटी पी क्या होगी, इसको कैसे निकालते हैं, कितनी बार कॉइन टॉस किया गया उसको टोटल कितनी बार, यन कितनी बार आपको हेड चाहिए, अगर 3 बार हेड चाहिए तो क्या होता है n, अगर 8 बार हेड चाहिए होता तो ncr टोटल नंबर ऑफ टास्क कितनी बार आपने किया, और कितनी बार आपको हेड चाहिए वो r, अगर 8 times हेड चाहिए होता तो ncr इनटू क्या करते हैं, एक सिंगल टास्क में n बार टास्क किया, एक सिंगल टास्क में इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आपको हेड आना आपने कहा है ना, तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2 उसकी पावर कितना r इनटू इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है ना, टेल आ जाए तो इवेंट नहीं हुआ, इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी पावर r, इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी n माइनस r, है ना, ये हो गया आपके, तो इस केस में आ जाता आंसर 5C3 इंटू 1/2 की पावर 3 इंटू 1/2 की पावर क्या 2, यहां से आंसर आ जाता फैक्टोरियल 5/3 ( 2, 5 × 20/2 = 10 इंटू 1/2 की पावर क्या 5, ये होती प्रोबेबिलिटी क्या, एग्जैक्टली 3 heads आने की अगर आपने 5 बार क्वाइन टॉस किया तो ये प्रोबेबिलिटी होती। अब अगला क्वेश्चन इसी में है ना, तो ये होती है r बार किसी इवेंट के होने की, है ना, क्या प्रोबेबिलिटी अगर n बार उसी चीज को रिपीट किया गया है ना, तो हर बार जब एक सिंगल बार वो इवेंट हुई थी तो जो आपका जो आउटपुट आपको चाहिए उसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो पावर r, और उसके ना होने की ये क्या है, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी है, ये टेल की प्रोबेबिलिटी हम नहीं बता रहे हैं, हेड ना आने की, और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी वही है जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी है ना, ऑब्वियसली जब टेल आएगा तभी तो हेड नहीं आएगा, है ना, ये है। अब अगर इसी में ऐसे पूछा जाता है ना, एट लीस्ट 4 heads आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एटलीस्ट 4 heads आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसी में पूछ देता अगर आपसे, है ना, क्या होगी इसी में, 5 बार कॉइन को टॉस किया गया, एटलीस्ट 4 heads, तो एटलीस्ट 4 heads आने की क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ, 4 heads आ जाए, एग्जैक्टली 4 heads आ जाए या 5 heads आ जाए, यही तो होता, 4 heads आ जाए या 5 heads आ जाए, टोटल यही तो है, 4 heads आना एक सिंगल इवेंट होगी, है ना, 4 heads आना और 5 heads आना दोनों डिफरेंट इवेंट हैं, डिसजॉइंट इवेंट्स, ऑब्वियसली जब 5 heads आएगा तो 4 heads नहीं हो सकता, और जब 4 heads आएगा एग्जैक्टली तो 5 heads नहीं हो सकता बेटा, तो ये दोनों, तो दोनों का क्या करेंगे, जब डिसजॉइंट इवेंट होती है अगर किसी इवेंट के सैंपल स्पेस को अगर हम डिसजॉइंट इवेंट में बांट दें तो सारी डिसजॉइंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी करके निकाल के हम समेशन कर दे तो टोटल प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की आ जाती है, क्योंकि उस इवेंट के सैंपल एटलीस्ट 4 heads मतलब कम से कम 4 heads आए और या 4 से ज्यादा, तो 4 तो कम से कम 4 मतलब 4 heads एग्जैक्टली आ जाए या 4 से ज्यादा, एक ही पॉसिबिलिटी और है 5 heads आ जाए, अगर 6 times टास्क किए रहते तो 6 heads आ जाए, है ना, यही तो पॉसिबिलिटी है, पांचों बार जब आपने टास्क किया 5 heads आ जाए, यही तो पॉसिबल है 4 से ज्यादा, एटलीस्ट 4 या 4 से ज्यादा, ऑब्वियस सी बात, अगर 6 होता तो एग्जैक्टली 4 heads, फिर एग्जैक्टली 5 heads प्लस एग्जैक्टली 6 heads, 3 डिसजॉइंट इवेंट में बांट देते इसी एटलीस्ट 4 heads को और तीनों का प्रोबेबिलिटी निकाल के समेशन कर देते। अब देखो
एग्जैक्टली चार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एग्जैक्टली आर बार इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 5C4 चार बार। हर सिंगल बार जब हम आप कॉइन टॉस कर रहे हो, हर सिंगल बार जब इवेंट को आप कर रहे हो, तो उसमें आपके इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हर सिंगल बार में हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2। और हर सिंगल बार में हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी 1/2 है, पावर एन माइनस आर, ये आ जाएगा 5C4 इज नथिंग बट 5 × आपका आ जाएगा 1/2 की पावर क्या 5 प्लस साथ में आपको करना पड़ेगा 5 हेड 5C5 1/2 की पावर क्या 5 × 1/2 की पावर क्या 5 − 5 = 0, ये आ गया। ठीक है, तो यहां से आप जोड़ लो जो भी है, ये 5C5 इज 1, ये 1/2 की पावर 5 और ये 5 × 1/2 की पावर 5, तो ये टोटल आ जाएगा 6 × 1/2 की पावर क्या 5, ये आ जाता है एटलीस्ट 4 हेड। इसी तरह से दूसरी चीज क्या पूछ देते हैं, एट मोस्ट, ये तीन टाइप चीजें पूछी जाती हैं, एग्जैक्ट या एट मोस्ट 2 हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अगला चीज ये पूछ सकते थे एट मोस्ट 2 हेड्स। तो एन बार अगर एक ही चीज को रिपीट किया जाए, जैसे कॉइन को एक कई बार टॉस किया जाए, या अभी अभी मैं इसी चीज को करूंगा एक डाइस पे भी, दोनों चीजें सीख लेंगे फिर ये चीज बहुत सिंपल लगने वाली, ठीक है ना। तो तीन टाइप, एटलीस्ट, एटमोस्ट और एग्जैक्टली, ज्यादातर यही तीन टाइप आपसे होता है, बाकी चीजें कुछ आएंगी तो इसी का कोई कॉम्बिनेशन होगी, फिर वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको एक्सट्रापोलेट बेटा करने आना चाहिए, ठीक है ना। एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड का क्या मतलब, मैक्सिमम 2 हेड आए, तो मैक्सिमम 2 हेड या 2 से कम हेड क्या मतलब, 1 हेड आ जाए या 0 हेड। तो अगर इसको बांटूं तो ये किस 3 इवेंट में बटेगी, 0 हेड या 1 हेड, ये सारी डिसजॉइंट इवेंट है। जब 0 हेड आएगा पांचों टॉस करने के बाद 0 हेड, वो एक ही, वो अलग इवेंट होगी। 1 हेड आ रहा है 5 टॉस में, है ना, वो एक अलग इवेंट होगी, एक ही हेड एग्जैक्टली है, पांचों टॉस मिला के अगर देखें तो केवल 1 हेड दिख रहा है, वो अलग होगी, क्योंकि जब 1 हेड आएगा, है ना, एग्जैक्टली 1 हेड आएगा तो 0 हेड नहीं हो सकता, जब एग्जैक्टली 2 हेड आएगा तो वो 1 हेड या 0 हेड नहीं हो सकता, है ना। तो ये तीनों डिसजॉइंट इवेंट है, तीनों का समेशन कर दो, एटमोस्ट 2 हेड वाला आ जाएगा। मैक्सिमम 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 2 हेड आ जाए या 2 हेड से ज्यादा नहीं, 1 हेड आ जाए या 0 हेड, तीनों का समेशन। तो अब एन बार हमने टास्क किया, उसमें से 0 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0 R बार हेड आने की एग्जैक्टली क्या प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली आर हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2 तो हेड हर बार टास्क करने पे, सिंगल टास्क में हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उस इवेंट के सिंगल बार टास्क करने पे उस इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो है ना, इन सिंगल टास्क व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, है ना। तो 5 में से आर बार इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एक सिंगल टास्क में उस इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट पावर आर इंटू एक सिंगल इवेंट में, एक सिंगल बार में उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो n माइनस आर, है ना। तो यहां से देखो 5C0 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ये 1/2 की पावर 5 प्लस यहां जाएगा 1 हेड, 5 में से एग्जैक्टली 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये इंटू एक टास्क में हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, 1/2 to the power r इंटू एक टास्क में हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है, n माइनस आर, ये आ जाएगा इतना, प्लस 2 हेड 5C2 × 1/2 टू दी पावर क्या 2 × 1/2 की पावर 5 − 2 = 3, इन सबको समेशन कर दोगे एटमोस्ट 2 हेड आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो अगर कोई एक ही इवेंट को या कोई एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया जा रहा है, जैसे एक ही क्वाइन को बार बार टास्क किया जा रहा है ना, और हर एक सिंगल टास्क में हेड या टेल आने की, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आने की 1/2 है, या हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है ना। तो कोई एक इवेंट है जिसके हर एक सिंगल एक्सपेरिमेंट में होने की प्रोबेबिलिटी और सिंगल एक्सपेरिमेंट में ना होने की प्रोबेबिलिटी मुझे पता हो, और एक्सपेरिमेंट को अगर आपने एन टाइम्स किया तो एन टाइम्स में से आर टाइम्स उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एनसीआर, है ना। हर सिंगल एक्सपेरिमेंट करने पे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक सिंगल एक्सपेरिमेंट करने पे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी की पावर आर, इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी की पावर एन माइनस आर। तो यहां से आ जाता एग्जैक्टली आर बार इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है अगर एन टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाता।
इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ध्यान रखना। अब इसी को मैं डाइस के केस में बताता हूं और वही चीज अप्लाई होती है आपके 200 बिट्स वाले पे, ठीक है ना। एट मोस्ट एट लीस्ट एंड दैट्स एंड वन इज एग्जैक्टली, है ना। ये पहली चीज हो गई। अब मैं एक लेता हूं डाइस, इस चीज को यहीं समझा दे रहा हूं और यहीं से मैं ये वाली चीज बता दूंगा, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ये लेक्चर पूरा समझने के लिए रखते हैं। अब यहीं से मैं डाइस ले लेता हूं, डाइस में छह आउटपुट्स आते हैं, है ना। छह आउटपुट्स आते हैं तो डाइस में एक बार अगर डाइस को हमने तीन बार रोल किया, ठीक है, तीन बार लेट से रोल किया या एन टाइम्स रोल किया, है ना। तो एक बार रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 यही में, इसी में से कोई एक आउटपुट आ सकता है। हर एक रोलिंग में कोई भी पॉसिबल आउटपुट्स आ सकता है। तो एक रोल में अगर मैं एक इवेंट ले लूं, वन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/100। अगर मैं एक डाइस को एक बार फेंकूं, एक बार केवल, तो उसमें वन आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, टू आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, थ्री आने की, फोर आने की, किसी भी नंबर के आउटपुट पे आने की प्रोबेबिलिटी एक एक बार फेंकने पे डाइस क्या है, 1/6। वन ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉट वन, वन ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/6। तो अगर डाइस को मैं एक बार फेंकूं तो वन, मैं वन को कंसीडर कर लिया, वन आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है एक बार फेंकने पे, और वन ना आने की प्रोबेबिलिटी, वन ना आए, टू आ जाए, थ्री आ जाए, या फोर आ जाए, या फाइव आ जाए, सिक्स आ जाए, क्या वन ना आने की प्रोबेबिलिटी फिर 1-1/6 होगी, ऑब्वियस सी बात है। वन आएगा या वन नहीं आएगा, तो वन आएगा प्लस वन नहीं आएगा, टोटल मिला के प्रोबेबिलिटी वन होनी चाहिए। वन आने की 1/6 है तो वन ना आने की, इसी तरह से टू आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, टू ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/6। थ्री आने की प्रोबेबिलिटी एक एक बार थ्रो करने पे डाइस आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/6 होगी, है ना। थ्री ना आए बाकी कुछ आ जाए, वन आ जाए या टू आ जाए या फोर आ जाए या फाइव आ जाए या सिक्स आ जाए, 5/6। ना आने की प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब, 1 2 4 5 6 आ जाए, थ्री ना आए, और 1 2 4 5 6 ये आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 5 फेवरेबल कंडीशन, टोटल 6, 5/6। अब यहां मैंने तीन बार डाइस को रोल किया और मैं पूछ रहा हूं 2 times 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एग्जैक्टली 2 times 1 आ जाए, है ना। एक बार फेंका, दोबारा फेंका, तिबारा, तीन बार फेंकने पे दो बार एग्जैक्टली 1 आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली 2 times 1 आ जाए। तो कैसे निकालोगे, एन बार इवेंट आपने करी, एन बार डाइस को रोल किया, उसमें से दो बार इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब 1 आने की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 times, दो बार होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हर एक थ्रो में इस 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 उसकी पावर 2, हर एक थ्रो में 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/6 उसकी पावर n-r, है ना, n-r मतलब 3-2, है ना, 3-2 ये आ गया यहां से आंसर। एग्जैक्टली 1 times 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती, 3c1 n c1, हर एक थ्रो में 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 की पावर 1, और हर एक थ्रो में 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 इंटू n-r 3-1, है ना, 2 होता है, ये हो जाती है आपकी प्रोबेबिलिटी। यहां पे भी अगर मैं कहूं एट लीस्ट, वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा, एट लीस्ट 2 times 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मैं 2 times 1 आने की कहूं या 2 times 2 आने की, सबकी यही होगी, क्योंकि हर थ्रो में 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 ना आने की 5/6, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 1 ना आने की 5/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 ना आने की 5/6, यही चीज है ना। तो किसी का अगर 2 times 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी यही आता, 2 times 3 आने की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली यही आता आंसर, है ना, समझ में आ रहा है। एटलीस्ट 2 times 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एटलीस्ट 2 times का क्या मतलब, 2 बार 1 आ जाए या 3 बार 1 आ जाए, है ना, एटलीस्ट कम से कम 2 बार या 3 बार। जब 2 बार एग्जैक्टली 1 आएगा वो अलग होगा, एग्जैक्टली 3 बार 1 आएगा तो वो चीज अलग होगी। अगर एग्जैक्टली 3 बार थ्रो किया और 3ों बार 1 आ गया, ये एकदम अलग इवेंट होगी। एग्जैक्टली 2 बार 1 आ रहा है, ये इवेंट एकदम अलग होगी, 3 में से एग्जैक्टली 2 बार 1 आ रहा है तो 3 बार 1 तो नहीं दिख सकता ना। अगर एग्जैक्टली 2 ही बार 1 आ रहा है तो 3 1 तो आ ही नहीं सकता ना, फिर ये डिसजॉइंट हो गया ना। एग्जैक्टली 2 बार 1 आना, एग्जैक्टली 3 बार 1 आना, दोनों डिसजॉइंट इवेंट है, एक साथ हो ही नहीं सकती, है ना, एक साथ नहीं हो सकती, कुछ कॉमन नहीं है उसमें, ठीक है। तो एग्जैक्टली 2 बार 1 आना, 3c2 इंटू 1/6, हर एक थ्रो में 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी की पावर r, इंटू हर एक थ्रो में 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी इंटू n-r, प्लस 3 बार 3c3 इंटू 1/6, हर थ्रो में
वन आने की प्रोबेबिलिटी की पावर आर, हर थ्रो में वन ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 3-3, इन दोनों को ऐड कर देते तो एटलीस्ट 2 times 1 आने की प्रोबेबिलिटी मिल जाती। इसी तरह से एट मोस्ट का भी निकाल लोगे, है ना। तो जब भी कोई चीज एक ही एक्सपेरिमेंट n बार रिपीट किया जाए और जब भी एक बार एक्सपेरिमेंट करते हो तो जो आउटकम्स हैं तो उसमें से कोई एक आउटकम को आप देख लो, एक इवेंट को देख लो, उस इवेंट की एक बार एक्सपेरिमेंट करने पे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है और एक बार एक्सपेरिमेंट करने पे ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर अगर आप एक्सपेरिमेंट को n times रिपीट करते हो तो r बार उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, n में से r टाइम्स उस इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ncr इनटू हर एक बार जब एक्सपेरिमेंट आपने किया तो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट प्रोबेबिलिटी पावर r इनटू हर बार जब हमने इवेंट की थी तो उस इवेंट के, हर बार जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, दैट पावर n-r। वहां से n एक्सपेरिमेंट में आर बार उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो, है ना। और एटलीस्ट एटमोस्ट को कैसे देखेंगे वो मैंने समझा दिया, ठीक है, डिसजॉइंट इवेंट के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो अगर कोई आउटकम है उसको कोई इवेंट ई है, उसके आउटकम को या उसके सैंपल को हम कई डिसजॉइंट इवेंट में डिवाइड कर दें और सारे डिसजॉइंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल के समेशन कर दें तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाती है ना, बताया था, ठीक है। ये बात समझ में आ गई यहां से, ठीक है, सब चीज रिलेटेड है बेटा। अब आ जाते हैं इस पे, हमने कहा एक बाइनरी सिमेट्रिक चैनल है एंड वी हैव ट्रांसमिटेड 200 बिट्स ओवर दिस बाइनरी सिमेट्रिक चैनल, लिख लीजिए इसको, है ना। मैं एग्जैक्टली अभी इसका सोल्यूशन करा देता हूं, तीन टाइप के क्वेश्चन इसमें हैं, तीनों करा देता हूं, लिखो। एक एग्जाम्पल है, एक तरह से ये एक एग्जाम्पल है, फिर एक केस और मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद इस लेक्चर को क्लोज करूंगा। लिखो, वी हैव ट्रांसमिटेड 200 bits over a binary symmetric channel where error in probability of error in zero transmission and probability of error in one transmission is epsilon, आप लिख सकते हो ना। We have transmitted 200 bits over a binary symmetric channel और binary symmetric channel का zero में error और one में error same होती है और वो epsilon value आपको most probably exam में given होगा, ठीक है ना। We have transmitted 200 bits over a binary symmetric channel, then what is the probability यहां से पूछा जा रहा है आपका, then what is the probability that 10 bits will be in error। पहला ये है ए पार्ट, 10 bits will be in error, है ना, 10 bits will be received in error, then what is the probability that 10 bits will received in error, 10 bits will be received in error, b option At least 199 bits will be received in error, और तीसरा है C, at most 2 bits will be received इन एरर, और आपको केवल क्या गिवन है, एप्साइलन, और आपको एग्जाम में यही एप्साइलन की वैल्यू गिवन होगी, 0.2 0.3 0.4 कुछ भी गिवन हो सकती है, 0-7 के बीच में नॉर्मली गिवन होगी। इन तीनों केसेस को बता दो बेटा, लिंक करो अभी जो मैंने समझाया था, लिंक करो, फिर इसका एक अगला केस डिस्कस करेंगे, फिर इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। 10 बिट्स विल बी इन एरर, तो आप देखो क्या है, अगर आप इसको वहां से रिलेट करो, बाइनरी सिमेट्रिक चैनल में जब हम एक बिट भेजते हैं तो उसमें एरर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इन केस ऑफ ए बीएससी बाइनरी सिमेट्रिक चैनल व्हेन वी ट्रांसमिट ए सिंगल बिट, वो बिट 0 हो 1 हो इट डजंट मैटर, ए सिंगल बिट, देन प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रिसीव्ड इन एरर इज इक्वल टू एप्साइलन। फिर हम इसी का कन्वर्स क्या लिख सकते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी दैट बिट विल नॉट बी रिसीव्ड इन एरर इज इक्वल टू 1 माइनस एप्साइलन होगा कि नहीं।
आपने अगर एक सिंगल बिट भेजी किसी बाइनरी सिमेट्रिक चैनल पे, बिट कोई भी हो, सिंगल बिट अगर आपने भेजी तो उसके एरर में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एप्साइलन। तो एरर में ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस एप्साइलन। या तो वो एरर में रिसीव होगा या तो एरर में रिसीव नहीं होगा, दो ही चीज हो सकती है। तो एरर में होने की प्रोबेबिलिटी एप्साइलन है, तो एरर में ना होने की, क्योंकि टोटल या तो एरर में होगा या तो नहीं होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी इसका 1, तो एरर में होने की एप्साइलन, तो एरर में ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस एप्साइलन। मतलब अगर आप एक सिंगल बिट, एक बिट भेज रहे हो तो उस बिट के एरर में होने की प्रोबेबिलिटी एप्साइलन है, और एरर में ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 माइनस एप्साइलन। अब देखो यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वहां से रिलेट करो। मतलब एक तरह से जब आप एक बार क्वाइन टास करते तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, और उसी इवेंट को आपने n टाइम्स रिपीट किया था। यहां पे भी देखो, जब आप एक बिट भेज रहे हो वो एक तरह से एक एक्सपेरिमेंट हो गया, जब एक बिट भेज रहे हो तो बिट के एरर में रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन है, मतलब हेड आने की एक तरह से प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन है, और एरर में ना रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 माइनस एप्सिलॉन है। एक बिट, जब एक बिट भेज रहे हो मतलब एक्सपेरिमेंट को एक बार कर रहे हो, उसी एक्सपेरिमेंट को आप क्या किए, 200 बार किए, दोबारा फिर एक बिट भेजे, फिर तिबारा फिर एक बिट भेजे, एक बिट ही तो भेज रहे हो हर बार। अगर एक सिंगल ट्रांसमिशन देखो तो एक बिट भेज रहे हो, यही आपका एक एक्सपेरिमेंट हो गया, और इस एक्सपेरिमेंट में एरर में आने की प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन है, और एरर में हर बार जब एक बार आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो एरर में बिट के होने की प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन और ना होने की 1 माइनस एप्सिलॉन है, सिंगल बार जब आप एक्सपेरिमेंट करो। और आपने एक्सपेरिमेंट को कितनी बार रिपीट किया है? 200 टाइम्स। तो अब बताओ इस केस में एग्जैक्टली 10 बिट एरर में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 200 भेजा, 200 बार आपने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें से 10 बार इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी पर्टिकुलर इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 200 में से 200 बार एक्सपेरिमेंट किया, किसी एक्सपेरिमेंट के 10 बार होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 200c, है ना, और इनटू हर सिंगल बार जब आपने एक्सपेरिमेंट किया था तो उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? मतलब 10 बिट एरर में आए, है ना, 10 बार मतलब एरर आपका आए, 10 बिट एरर में आए मतलब 10 बार इवेंट हो जाए एक तरह से, है ना। तो एक सिंगल बार इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब एरर में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि आपके एरर में होने की निकाल लो। तो एक सिंगल बार जब आपने एक्सपेरिमेंट किया था तो एरर में होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, और आप कह रहे हो 10 बार एग्जैक्टली एरर आ जाए आपका, 10 बार एग्जैक्टली इवेंट हो जाए, मतलब बिट्स एरर में आ जाए 200 एक्सपेरिमेंट में से, है ना। तो 200 में से 10 बार होने की क्या, 200c10 इंटू एक बार जब सिंगल बार एक्सपेरिमेंट किया था तब इस इवेंट की, इस इवेंट का क्या मतलब, एरर में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हम 10 बार कह रहे हैं एग्जैक्टली ये इवेंट हो जाए, जब एक बार एक्सपेरिमेंट किए थे तब इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या, मतलब एरर में आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, एप्साइलन। तो एक बार जब एक्सपेरिमेंट करें तो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एप्साइलन। इवेंट का होना मतलब बिट का एरर में आना, है ना। तो एक सिंगल एक्सपेरिमेंट में बिट का एरर में आना, एक बिट अगर ट्रांसमिट करें एप्साइलन है, तो एक सिंगल में कितना है, है ना, इनटू हर एक सिंगल बार एक्सपेरिमेंट करें तो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी का पावर आर, और इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट का ना होना मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में ना आना, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी पावर 200-10, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर अगर 10 बिट्स एरर में रिसीव हो, इसकी एग्जैक्टली 10 बिट्स 200 में से एरर में रिसीव हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इतनी है। इतनी प्रोबेबिलिटी है कि 200 बिट अगर आप इस बाइनरी सिमेट्रिक चैनल के ऊपर भेजोगे तो 10 बिट एरर में रिसीव होंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, है ना, क्योंकि एक सिंगल ट्रांसमिशन में एरर में होने की प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन और एरर में ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस एप्सिलॉन है, और इसी एक्सपेरिमेंट को आपने 200 बार रिपीट किया, एक क्वाइन को 200 बार फेंका, तो 200 में से 10 बार इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लो ना, 10 बार एरर में आ जाए। तो एक बार जब हम एक बार एक्सपेरिमेंट किए थे तो एरर में आने की प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन, तो एक बार में अगर एक बार एक्सपेरिमेंट करते तो उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी उसकी पावर आर, इनटू हर बार जब एक सिंगल एक्सपेरिमेंट करे तो एरर में ना होने की, मतलब उस इवेंट के ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 माइनस एप्साइलन टू द पावर 200-10। समझ में आ रही है बात? तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हर बार सिंगल में, और हेड ना आने की, है ना, एरर में होने की और एरर में ना होने की। तो 10 बिट एरर में हो जाए मतलब 10 बार एरर आए तो हर एक सिंगल में एरर आने की प्रोबेबिलिटी इतनी और एरर में ना आने की इतनी, तो आर बार हो 200 NCR के पावर आर, ये एन माइनस आर, ये आपका आंसर होता है, एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन होती तो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। अब
पूछ रहा है दूसरा पोर्शन, एटलीस्ट 199 बिट्स विल बी रिसीव्ड इन एरर, मतलब 199 बिट्स एटलीस्ट एरर में है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 199 बिट्स मतलब एटलीस्ट 199, तो 199 बिट्स एग्जैक्टली एरर में हो या 200 बिट्स एग्जैक्टली, एटलीस्ट कम से कम 199 बिट्स एरर में हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, कम से कम तो 199 बिट एरर में हो, इससे या इससे ज्यादा बिट्स एरर में हो, इससे ज्यादा क्या पॉसिबल है, 200 से ज्यादा तो बिट ही नहीं भेजा, 200 के 200 बिट्स एरर में हो जाए, यही तो है, तो 199 बिट्स एरर में हो या 200, और ये दोनों डिसजॉइंट इवेंट है, जब एग्जैक्टली 199 बिट एरर में होंगी तो 200 बिट एरर में तो नहीं हो सकती, और जब एग्जैक्टली 200 बिट एरर में होंगी ये एग्जैक्टली 199 बिट्स इन एरर, एग्जैक्टली 200 बिट्स इन एरर, ये दोनों डिसजॉइंट इवेंट है, दोनों एक साथ नहीं हो सकती है, तो दोनों का समेशन कर देंगे, इस इवेंट को हमने दो डिसजॉइंट इवेंट में बांट दिया और दोनों का समेशन कर देंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। निकालते हैं एग्जैक्टली 199 बिट्स एरर में हो जाए, मतलब एक्सपेरिमेंट करें तो 199 बार ये इवेंट हो जाए एरर में आने वाली, तो 200 में से कितनी बार, 199 बार हो जाए, है ना, और जब एक बार सिंगल एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एरर में, मतलब इस इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी या एरर में होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एप्साइलन उसकी पावर, और जब हर बार सिंगल एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एरर में ना होने का मतलब इस इवेंट का ना होना, एरर में ना होना ही तो इवेंट का ना होना है ना, रिसीव्ड इन एरर, एरर में होना इस इवेंट का होना है, एरर में ना होना इस इवेंट का नहीं होना है, एरर में ना होने की प्रोबेबिलिटी एक बार अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 1 माइनस एप्साइलन इनटू पावर 200 माइनस 199, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर है बी वाले पार्ट का। अब आपको बता दो सी वाले पार्ट का आंसर क्या है, ठीक है ना, एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन होगी तो ये कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, और ऑब्वियसली ये प्रोबेबिलिटी है तो इसकी वैल्यू 1 से कम ही आएगी, 0 से ज्यादा, 0 और 1 के बीच की वैल्यू होगी, क्योंकि ये भी तो प्रोबेबिलिटी है, 10 बिट्स विल बी इन एरर, प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन ही तो कर रहे हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच ही होती है, एट मोस्ट 2 बिट्स विल बी रिसीव्ड इन एरर, तो इसको हम डिसजॉइंट इवेंट में पहले बांटते हैं, मैक्सिमम 2 बिट एरर में हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम 2, तो एग्जैक्टली 2 बिट एरर में हो जाए, एग्जैक्टली 2 बिट एरर में हो जाए, या ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम 2 बिट एरर में होनी चाहिए, 2 बिट या 2 से कम बिट एरर में हो तो ये इवेंट हो जाएगी, मैक्सिमम 2 बिट एरर में, एग्जैक्टली 2 बिट नहीं कहा, इसलिए ध्यान रखना एट मोस्ट है कि एग्जैक्टली 2 बिट्स, एग्जैक्टली 2 बिट एरर में मतलब एग्जैक्टली 2 ही बिट, कह रहा है एट मोस्ट 2 बिट्स एरर में हो, मतलब 2 बिट एरर में हो सकती है मैक्सिमम, या उससे कम बिट एरर में हो, यही तो हुआ, तो अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, एग्जैक्टली 2 बिट्स एरर में हो जाए या उससे कम, मैक्सिमम 2 बिट्स एरर में हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, तो 1 बिट एरर में हो जाए या इसके साथ एक 0 भी आएगा, कोई भी बिट एरर में ना हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी 0 बार इवेंट के होने की है ना, ये भी है, ये भूल मत जाना, 2 बिट 1 बिट 0 बिट भी आएगा, तो हमने क्या किया, मैक्स 2 बिट एरर में हो, एट मोस्ट 2 बिट एरर में हो, उसको डिसजॉइंट इवेंट में मार दिया कि एग्जैक्टली 2 बिट एरर में हो या एग्जैक्टली 1 बिट एरर में हो या एग्जैक्टली 0 बिट, और ये तीनों डिसजॉइंट इवेंट है, जब एग्जैक्टली 2 बिट एरर में होंगी तो वो एक अलग इवेंट हो गई, क्योंकि उस समय एग्जैक्टली 1 बिट एरर में नहीं हो सकते, एग्जैक्टली 0 बिट एरर में नहीं हो सकते, जब एग्जैक्टली 1 बिट एरर में होंगे तो ये एक अलग इवेंट हो गई, डिसजॉइंट इवेंट हो गई, है ना, तब उस समय 2 बिट एरर में नहीं हो सकते, 0 बिट एरर में नहीं हो सकते, तो कुछ कॉमन नहीं है, एग्जैक्टली जब 0 बिट एरर में होगा तो 2 बिट और 1 बिट वाले एग्जैक्टली 2 बिट एरर में होना, एग्जैक्टली 1 बिट एरर में होना पॉसिबल नहीं है, तो वो डिसजॉइंट इवेंट, और ये इसको पूरे इसके सैंपल सेट को आपने 3 डिसजॉइंट इवेंट में डिवाइड कर दिया, किसके, इस इवेंट के पूरे सैंपल सेट को एक तरह से, है ना, एग्जैक्टली 2 बिट, तो यहां पे देखो मैक्सिमम कितने बिट एरर में पॉसिबल है, यहां पे देखो 2 बिट, 2 बिट से ज्यादा एरर हम नहीं ले रहे हैं मैक्सिमम, है ना, या उससे कम, ठीक है, अब एरर निकाल लेते हैं, तो 2 बिट एरर में मतलब 2 बार इवेंट हो जाए 200 बार में से, तो 200 बार में से 2 बार इवेंट होने का NCR इनटू हर बार सिंगल एक्सपेरिमेंट में इवेंट का होना मतलब एरर का आना कितना है, एप्साइलन उसकी पावर R इनटू हर सिंगल एक्सपेरिमेंट में एरर का ना आना मतलब इवेंट का ना है ना, है ना, मतलब एरर में ना आना मतलब इवेंट का ना होना, एरर में आना मतलब इवेंट का होना, 2 बिट एरर में आ रही है ना, की पावर 200 माइनस 2 प्लस 1 के लिए इसी तरह से लिखोगे 200C1 एप्साइलन की पावर 1 इंटू 1 माइनस एप्साइलन की पावर 200 माइनस 1 199, और 0 के लिए लिखोगे 200C0 एप्साइलन की पावर 0 1 माइनस एप्साइलन की पावर 200 माइनस 0 200, ये आएगा आंसर।
ये आंसर आपका आएगा। इसी तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोग घूमते रहते हैं क्योंकि चीजों को आप लिंक नहीं कर पाते। इट्स जस्ट लाइक ए टॉसिंग ए कॉइन 200 टाइम्स आर रोलिंग ए डाइस 200 टाइम्स, है ना। और उसमें एक है हेड का आना एक तरह से एप्साइलन, हेड का ना आना 1 माइनस एप्साइलन। तो बिट का एरर में होना मतलब हेड का आना, बिट का एरर में ना होना मतलब हेड का नहीं आना। उससे लिंक कर दो, सीधे सीधे आंसर लिखते जाओगे, कुछ करने की जरूरत नहीं, तीनों सॉल्व हो गए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको और मैं नेक्स्ट लेक्चर में गेट के क्वेश्चन और कुछ नॉर्मल क्वेश्चन लूंगा और सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक एक लाइन में आंसर लिखोगे बेटा सिंपली, है ना, चीजों को लॉजिकली समझा करो। ठीक है, अब अगला चीज एक और मैं बताता हूं। ये चीज आपने होप लिख ली होगी, तीनों पार्ट कर लिए होंगे। ठीक है, अब अगली चीज मैं और बताता हूं आपको। चौथे टाइप का जो क्वेश्चन आता है और वो क्यों आता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली यूज होता है, है ना, उसको रटने की जरूरत नहीं है। मैं सॉल्व कराने की आपको कोशिश करता हूं अगले टाइप का क्या आता है, तो ताकि अगले लेक्चर में क्वेश्चन हम करेंगे केवल। ठीक है ना, अगला टाइप मैं बता देता हूं ताकि हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, तो समझ में आ रही चीज है, अच्छे से डिस्कस करना है, है ना। प्रोबेबिलिटी है तो उसको एकदम प्रोबेबिलिटी को बेसिक मैथ बना के करो, लॉजिक डेवलप करो। अब देखो अगली चीज क्या है, तो जो प्रोबेबिलिटी के छोटे मोटे डिस्कशन थे सारे मैंने ऑलमोस्ट जो जरूरी है आपके इंफॉर्मेशन थ्योरी के लिए मैं करता जा रहा हूं। ठीक है, अब अगली चीज क्या आती है, क्या होता है, हम जब जीरो ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसके एरर में होने की पॉसिबिलिटी क्या है, एप्सिलॉन, और जब वन ट्रांसमिट कर रहे हैं तो भी उसके एरर में होने की पॉसिबिलिटी क्या है, एप्सिलॉन। अगर हम एक सिंगल ट्रांसमिशन कर रहे हैं, एक सिंगल बिट भेज रहे हैं, तो उसमें एरर होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एप्सिलॉन है, चाहे वो जीरो भेज रहे हैं चाहे वन ओवर ए बाइनरी सिमेट्रिक चैनल, बीएससी चैनल के रिस्पेक्ट में हम ये सारी एनालिसिस कर रहे हैं। अब आगे क्या आता है, कई बार क्या होता है, अब हम एरर को और अगर कम करना चाहते हैं, इसी चैनल को हम चेंज कर नहीं सकते भाई, चैनल तो जो है फिक्स है, चैनल वा तो अपना फिक्स है ना, 01, ये जो चैनल है आपका, दिस चैनल इज नथिंग बट फिक्स, चैनल तो वही है। चैनल पे आप एक ट्रांसमिशन कर रहे हो तो सिंगल ट्रांसमिशन में चाहे वो एक सिंगल बिट आप जीरो भेजो चाहे वो वन बिट भेजो, उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, उसके एरर में रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एप्सिलॉन है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हम सोच रहे हैं कि हम जीरो भेजें लेकिन उसमें जो जीरो भेजें या वन भेजें, एक सिंगल बिट अगर हम भेज रहे हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर और कम हो जाए। अब भाई चैनल तो मेरे हाथ में है नहीं कि मैं चैनल की नॉइज घटा के प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम कर दूंगा, मेरे हाथ में तो नहीं है चैनल की नॉइज घटा के, है ना, मैं उसको कम कर दूंगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ना, वो तो मेरे हाथ में नहीं है चैनल, तो जो चैनल है तो मैं क्या करूं, मेरे हाथ में क्या है, मैं सिस्टम को कैसे डिजाइन करूं कि ये मैं कर पाऊं, बताओ। मैं चाहता हूं यही जो नॉइजी चैनल है जिसमें एक बिट कोई भी हम ट्रांसमिट करते हैं जीरो या वन, तो उसके एरर में रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एप्सिलॉन है। मैं चाहता हूं अब मैं सिंगल बिट ट्रांसमिट करूं इसी चैनल के ऊपर, सेम चैनल के ऊपर, लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एप्सिलॉन से भी कम हो, ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए बेटा, बताओ कैसे कर सकता हूं, कुछ पॉसिबिलिटी कुछ दिमाग आ रहा है। अब देखो मैं करूंगा क्या, देखो दिमाग कैसे लगाते हैं, यहां पे ऑड वाला सिस्टम बड़ा अच्छा होता है। ठीक है ना, मान लो आपके जो ट्रांसमीटर ने जीरो इमिट किया, लेट्स से इट हैज इमिटेड जीरो, है ना, अब इस जीरो को मुझे ट्रांसमिट करना है और मैं चाहता हूं कि इस जीरो में एप्सिलॉन से भी कम पॉसिबिलिटी एरर की हो, मतलब ये एज ए जीरो रिसीव होने की इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, वो एज ए वन रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी और भी कम हो, एप्सिलॉन से भी कम हो, और चैनल तो सेम है, तो मैं कैसे करना चाहूंगा, मैं क्या कर सकता हूं, कैसे इस चीज को पॉसिबल कर सकता हूं। चीजों को जब प्रैक्टिकली समझोगे ना, सोचोगे, तब जब क्वेश्चन आता है तो आप रिलेट कर पाते हो, नहीं तो क्वेश्चन रटते रहते हो। मैंने देखा है स्टॉर्म सीरीज बैठ के खूब क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्वेश्चन रट के दिमाग को खोल रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट सीखो, उसका एप्लीकेशन सीखो, फिर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लगा के उस कॉन्सेप्ट को पक्का करो, ये एक्चुअल लर्निंग होती है। आप लोग केवल सॉम सीरीज या वो लगा के कि क्वेश्चन रट के नया क्वेश्चन फिर बनने के चांसेस 100% कभी नहीं हो सकते, या 80-90% भी नहीं हो सकते अगर आपकी ऐसी लर्निंग है तो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, मुझे ये जीरो इमिट किया, इस जीरो को भेजना है, मैंने क्या किया, मैंने यहां लगा दिया एक इनकोडर, इसको इनकोड करके मैं भेजूंगा, इनकोडर लगा दिया, और मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, मैं इस जीरो के करस्पॉन्डिंग तीन जीरो भेजूंगा,
मैंने इनकोडर लगा के इस जीरो के करस्पॉन्डिंग मैंने तीन जीरो, ऑड नंबर ही क्यों लेते हैं अभी आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, ऑड नंबर ही यूज करते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं तो आपको आगे ऑड नंबर का सिग्निफिकेंस भी समझ में आ जाएगा। मैं कहा मैं तीन जीरो इसके करस्पॉन्डिंग भेजूंगा, अभी भेज आप एक ही जीरो रहो, ट्रांसमिशन ने ट्रांसमीटर ने एक ही जीरो ट्रांसमिट किया है, लेकिन आपने इनकोडर लगाया, इनकोडर लगा के उसके करस्पॉन्डिंग तीन जीरो बना लिए, है ना, दो जीरो और ऐड कर दिए इनकोडर लगा के, अब इन तीन जीरोस को आप सिक्वेंशियली ट्रांसमिट कर रहे हो ओवर दिस नॉइजी चैनल। अब इस चैनल पे आप सिक्वेंशियली इसको भेज रहे हो, एक तरह से तीन जीरोस को आप भेज रहे हो। अब होगा क्या, और वहां पे जब ये बिट रिसीव होंगी, ये तीनों जीरो, ये जीरो रिसीव होगा एज ए जीरो या वन, ये जीरो रिसीव होगा एज ए जीरो वन, ये जीरो रिसीव होगा एज ए जीरो या वन, है ना, क्योंकि एक सिंगल बिट, अब आपने देखो इस जीरो के करस्पॉन्डिंग तीन जीरो भेजे, तो अब ये चैनल तो हर एक सिंगल जीरो को कंसीडर करता है ना कि एक सिंगल जीरो में क्या एरर इंट्रोड्यूस करेगा। आपने जो ट्रांसमीटर ने एक जीरो इमिट किया उसके करस्पॉन्डिंग तीन जीरो भेजा इनकोडर से दो जीरो लगा के, चैनल तो आपको हर एक सिंगल जीरो, इस जीरो में एरर एप्साइलन की होगी, इस जीरो में भी एरर एप्साइलन की डालेगा चैनल, इस जीरो में भी एरर एप्साइलन की डालेगा चैनल, चैनल तो यही करने वाला है। तो कोई जीरो एज ए वन रिसीव होगा, कोई जीरो एज ए जीरो रिसीव होगा, कोई जीरो एज ए वन रिसीव होगा, क्योंकि सब में एप्साइलन की एरर है, तो पॉसिबिलिटी है कि कोई जीरो एज ए जीरो रिसीव हो जाए, कोई जीरो एज ए वन रिसीव हो जाए, है ना। तो ये तीनों जीरो आएंगे, कोई एज ए वन रिसीव होगा, कोई एज ए जीरो, तो आपके पास तीन बिट्स यहां आ गए। अब यहां पे आपने क्या लगा दिया चैनल के, जब रिसीवर एंड के पास, रिसीवर ने इन तीनों बिट्स को रिसीव कर लिया चैनल से प्रोसेस होकर, जो भी रिसीव होंगे, ये वाला जीरो हो सकता है एज ए वन रिसीव हुआ, ये जीरो एज ए जीरो, ये जीरो भी एज ए जीरो, या ये जीरो एज ए वन रिसीव हुआ, ये जीरो एज ए वन, ये जीरो एज ए जीरो, है ना। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ये तीनों जीरो बहुत सारे तीन बिट के जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो यहां मिल सकते हैं, डिपेंडिंग की कौन से बिट में क्या एरर आती है, ठीक है। अब यहां पे आपने एक डिकोडर लगा दिया, रिसीवर ने रिसीव किया, यहां पे रिसीवर था, रिसीवर ने रिसीव किया, अब वो इसको डिकोड करना चाहता है, और आपने पहले से डिकोडर को बता रखा है, क्या कर रखा है आपने, सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया, ये सब आपकी सेटिंग है, चैनल को आप नहीं कुछ कर सकते थे, तो आपने इनकोडर डिकोडर लगाना आपके हाथ में था, तो आपने सेटिंग कहा मैं ऐसी सेटिंग करूंगा कि इसी चैनल के ऊपर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। देखो क्या होगा, क्या होगा डिकोडर, अब डिकोडर को आपने बता रखा है क्या, अगर यहां मेजोरिटी ऑफ जीरो मिले हैं, मेजोरिटी ऑफ जीरो अगर मिले हैं यहां पे, मेजोरिटी ऑफ जीरो अगर मिले हैं, मेजोरिटी ऑफ जीरो हैज बीन रिसीव्ड, हैज बीन रिसीव्ड, देन डिकोडर का आउटपुट क्या होगा, देन डिकोडर आउटपुट विल बी जीरो, है ना। और आपने लिख दिया अगर मेजोरिटी ऑफ वन रिसीव हुए हैं, मेजोरिटी ऑफ वन रिसीव हुए हैं, देन डिकोडर क्या डिकोड करेगा, वन डिकोड करेगा। अब देखो समझने की कोशिश करते हैं, ट्रांसमीटर जब वन इमिट करेगा ना, तो ये इनकोडर उसके रिस्पेक्ट में भी इनकोडर क्या भेजेगा, तीन वन भेजेगा, है ना, और उसी के रिस्पेक्ट में आपने डिकोडर रिजाइन किया। रिसीवर आपने तीन बिट भेजा, रिसीवर ने उसको रिसीव किया, कोई एरर में रिसीव हुआ होगा, कोई एरर फ्री, तो यहां पे तीन बिट का कोई एक कॉम्बिनेशन होगा, है ना, वन वन जीरो, वन जीरो वन, वन जीरो जीरो, कुछ भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा तीन बिट्स। डिकोडर क्या कह रहा है, आपने डिकोडर को बता रखा कि अगर मेजोरिटी ऑफ बिट्स जीरो हैं तीन बिट में, मेजोरिटी क्या मतलब, दो बिट जीरो हो या तीन बिट जीरो हो, तो वो जीरो डिकोड करेगा, मतलब पीछे से जीरो भेजा गया था, और मेजोरिटी ऑफ बिट्स अगर वन होंगे तो वो डिकोड करेगा एज ए वन। अब देखो अगर आपने जीरो भेजा, अब जीरो के एरर में आने, जीरो जब डिकोडर का आउटपुट अगर वन हो जाएगा तब कहोगे कि जो आपने जीरो भेजा था वो एरर में रिसीव हुआ है, क्योंकि आप डिकोडर के बाद जो आउटपुट आ रहा है उसको देख रहे हो, अगर वो एरर में है तब आप कहोगे एरर में है, समझ रहे हो मेरी बात, आपने एक्चुअली में क्या भेजा है, जीरो, और अगर डिकोडर का आउटपुट जीरो आया मतलब आपने जीरो ही डिकोड किया, मतलब आपने सही रिसीव किया है चीजों को, अगर आपने भेजा जीरो और डिकोडर का आउटपुट वन आया तो आप कहोगे एरर आया। तो अब जीरो भेजने पे क्या एरर की पॉसिबिलिटी है ये बताइए मेरे को निकाल के, वो कम होगी कि ज्यादा होगी बताइए। अब देखो ये जीरो जो है जिसको इनकोड करके तीन जीरो भेजा हमने, और यहां अगर मेजोरिटी ऑफ जीरो आपके मिले तो वो जीरो डिकोड करेगा, अगर मेजोरिटी ऑफ वन मिले तो वो वन डिकोड करेगा, है ना। तो अब बताइए जीरो जो हुआ है
उसके एरर में रिसीव होने की अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी दैट जीरो विल बी रिसीव्ड, जीरो विल बी रिसीव्ड इन एरर, जीरो विल बी रिसीव्ड इन एरर, क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, अब निकाल के बताइए, आप लिंक करिए चीजों को, है ना। What will be the probability that zero will be received in error? Zero error में receive होगा, इसकी क्या probability है? Zero error में receive कब होगा? जब आपका receiver in पे आपको क्या मिलेंगे? Majority of अगर one मिल जाए, आपने भेजा zero, उसको तीन zero बना के encoder ने भेज दिया, और अगर आपको decoder पे majority ones मिलेंगे, मतलब दो one मिलेंगे, majority ones मिलेंगे, तो ये decoder decode कर देगा one और आपने भेजा था zero, तो zero error में receive हो जाएगा। इसी तरह से तो zero error में receive हो सकता है, यही तो एक पॉसिबिलिटी है कि मेजोरिटी आप यहां पे रिसीवर एंड पे आपको क्या मिले, वंस मिले, और उसको डिकोडर डिकोड कर देगा वन, और आपका फिर जो जीरो आपने भेजा था वो एरर में रिसीव हो गया, एज ए वन रिसीव हो गया, यही तो पॉसिबिलिटी है, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब आपने तीन जीरो भेजा था, उसमें से दो वंस यहां मिल जाए या तीन वंस मिल जाए, तो आप कहोगे क्या है, यहां पे डिकोडर फिर उसको वन डिकोड करेगा और एरर आ जाए, मतलब यहां पे टू वंस मिल जाए, टू वंस मिल जाए या थ्री वंस मिल जाए, क्योंकि टू वन का मिलना एक होगा और थ्री वन का मिलना, जब थ्री वन मिलेंगे तो टू वन मिल नहीं सकते, टू वन मिलेंगे तो थ्री वन नहीं, तो ये दोनों मिलके इस एरर को पूरी तरह से डिफाइन करेंगे। दो डिसज्वाइंट इवेंट में आपने बांट दिया कि जब तीन जीरो आपने भेजा उसमें से दो वंस यहां रिसीव हो जाए और एक जीरो, या तीनों एज ए वन रिसीव हो जाएं, तो आपका डिकोडर उसको डिकोड कर देगा वन, और डिकोडर जब उसको डिकोड कर देगा वन, तो आपका जीरो किस में रिसीव हुआ, एज ए एरर में रिसीव हुआ, है ना। वही प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो बेटा क्या होगी प्रोबेबिलिटी आप बता दो, यहां आप फिर से वही चीज आ जाओ, एक सिंगल बिट अगर आप भेज रहे हो तो चैनल के ऊपर उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में होने की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी क्या है, एप्सिलॉन है, वहीं से आ जाओ। अब देखो तीन जीरोस आपने भेजे उसमें से दो वंस हो जाए, मतलब दो बिट क्या रिसीव हो, इन एरर रिसीव हो, तभी तो दो वंस आ जाएंगे। तीन जीरोस आपने भेजे और आपको दो वंस मिल जाए, एग्जैक्टली ये कब पॉसिबल है, तीन बिट्स आपने जीरो भेजे और उसमें से दो एग्जैक्टली वन मिल जाए, ये कब पॉसिबल है, दो बिट एग्जैक्टली क्या आ जाए, एरर में आ जाए, दो जीरो कोई भी वन हो जाए एग्जैक्टली। तो आप इसको देखो, आपने एक जीरो भेजा और उसके वन रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि एप्साइलन है इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, या उसके एरर में रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एप्साइलन। तो आपने इसी इवेंट को तीन बार रिपीट किया और उसमें से दो बार एरर में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3C2 इनटू एक, अगर एक बार एक्सपेरिमेंट करते तो एरर में होने की प्रोबेबिलिटी एप्साइलन, और एरर में ना होने की प्रोबेबिलिटी ये रहती, यही तो होता, समझ में आ रही बात, चीजों को ध्यान से समझो, मैं एकदम आराम से टाइम लेके कर रहा हूं, है ना, फिर क्वेश्चन सीधे हवा हो जाएंगे, है ना। तीन जीरोज आप भेज रहे हो और अगर दो जीरोज, एक तरह से दो जीरोज अगर एरर में आ जाएं, दो जीरोज अगर एरर में आ जाएं, तभी एग्जैक्टली दो जीरोज एरर में आ जाएं, तभी तो दो वन हो जाएंगे, वही दो जीरो एरर में, मतलब दो वन मिल जाएंगे आपको और ये डिकोडर वन डिकोड कर देगा, है ना। तो एग्जैक्टली तीन बार एक तरह से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जो पिछला वाला था, तीन जीरोस आप भेज रहे हो, यानी कि तीन बिट्स भेज रहे हो, अगर आप ध्यान से देखो तीन बिट्स भेज रहे हो, उसमें से दो बिट एरर में हो जाए, एग्जैक्टली इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, तीन बार, और एक बिट भेजते हो, एक बार एक्सपेरिमेंट करते हो तो एरर में आने की प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन होती है, एरर में ना आने की वन माइनस एप्सिलॉन। तो तीन में से दो बार एरर में आ जाए, मतलब दो बार वो इवेंट हो जाए, तो 3C2 एप्सिलॉन, एक बार जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन का स्क्वायर वन माइनस है ना, और थ्री वंस आ जाए, मतलब तीन में से एग्जैक्टली तीन बार इवेंट हो जाए, है ना, तीन बार आपने किया और एग्जैक्टली तीन बार इवेंट हो जाए, मतलब तीनों बिट एरर में हो जाए, है ना। तो एप्सिलॉन की पावर 3 × 1 − एप्सिलॉन की पावर क्या, 3 − 3 = 0, है ना। तो तीनों बिट एज ए वन रिसीव हो जाए, एक बिट हम भेजते हैं तो उसके एज ए वन रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन है, तो तीन बिट आपने भेजा, तीन बार इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, एक बिट जब एज ए जीरो भेज रहे हैं तो उसके वन रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन, वन एज ए वन रिसीव ना होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब एज ए जीरो रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी वन माइनस एप्सिलॉन। तो तीनों बार, तीन बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और हर बार, आर बार
और तीनों बार एज ए वन रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी क्या, तो 3C3 तीन में से तीन बार इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी, हर सिंगल एक्सपेरिमेंट में जीरो के वन रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी एप्साइलन है ना, और जीरो के वन रिसीव ना होने की प्रोबेबिलिटी वन माइनस एप्साइलन, तो एप्साइलन की पावर आर वन माइनस एप्साइलन की पावर एन माइनस आर जीरो। ये हो गया आपका क्या प्रोबेबिलिटी दैट जीरो विल बी रिसीव्ड इन एरर। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी दैट वन विल बी रिसीव्ड इन एरर क्या होगा बेटा बताओ, वन विल बी रिसीव्ड इन एरर क्या होगा इसकी प्रोबेबिलिटी, तो वन के करेस्पॉन्डिंग इनकोडर तीन वन भेजेगा और तीन वन में से अगर दो वन एरर में आ जाएंगे तो दो जीरोज आ जाएंगे, तो मेजोरिटी ऑफ जीरोज मिलेंगे, दो वन एरर में आ जाएंगे या तीनों वन एरर में आ जाएंगे तो आपके क्या होंगे, तीन जीरोज मिलेंगे या दो जीरोज मिलेंगे, और उस केस में डिकोड करेगा जीरो और आपने भेजा वन और आपको रिसीव हुआ जीरो, वन क्या रिसीव होगा एज ए जीरो रिसीव होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होगा दैट वन विल बी रिसीव्ड इन एरर है ना, क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब बताओ तीन बार आपने वन भेजा उसमें से दो बार उसके एरर में होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी है ना, दो बार एक सिंगल एक्सपेरिमेंट में एरर में होने की प्रोबेबिलिटी एप्साइलन और एक सिंगल एक्सपेरिमेंट में एरर में ना होने की प्रोबेबिलिटी वन माइनस एप्साइलन। ये तो तीन बार में दो, तीन बार आपने तीन बिट भेजी उसमें दो बिट के एरर में होने की क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब दो बिट जीरोज हो जाएं तभी मेजोरिटी आप जीरो आ जाएंगे और ये जीरो डिकोड करेगा और उसके बाद आपका वन एज ए एरर रिसीव हुआ एज ए जीरो रिसीव हुआ, तो तीन में से दो बार या दो बिट्स एरर में रिसीव हो जाएं या तीन में से तीनों एरर में रिसीव हो जाएं और एक बार जब हम इस एक्सपेरिमेंट को करते थे तो एरर में आने की प्रोबेबिलिटी एप्साइलन और एरर में ना आने की वन माइनस एप्साइलन, तो एरर में आने वाले की एरर में ही हम चाह रहे हैं तीन में से तीनों बिट एरर में आ जाएं, तो एक बार जब हम बिट एक बार एक्सपेरिमेंट करते थे तो उसमें एरर में आने की प्रोबेबिलिटी एप्साइलन और ना आने की इतना, तो तीन में से तीनों बार एरर में आ जाए, तीनों बार एरर वाली इवेंट हो जाए तो एरर वाले होने वाली इवेंट की एक एक एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी एप्साइलन है इसकी पावर आर, ना आने की एरर में प्रोबेबिलिटी वन माइनस एप्साइलन है एक एक्सपेरिमेंट में जब एक बार किए थे उसकी पावर थ्री माइनस थ्री एन माइनस आर, ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हो जाएगी वन के रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है ना। दोनों अगर देखो तो सेम ही आया है, दोनों तो देखो सेम ही आया, ये पी जीरो मान लो ये पी वन मान लो है ना, पी वन मान लो है ना, तो प्रोबेबिलिटी दैट जीरो विल बी रिसीव्ड इन एरर एंड प्रोबेबिलिटी दैट वन विल बी रिसीव्ड इन एरर वहीं से आया, जो कई नंबर ऑफ बिट्स भेज रहे हैं उसमें से एक सेलेक्टिव नंबर ऑफ एन बिट्स भेजे और उसमें से आर बिट्स अगर एरर में आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वहीं से आया है ये आंसर, एन में से आर बार इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर सिंगल एक्सपेरिमेंट में उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी पता हो तो एन बार एक्सपेरिमेंट करें तो उसमें से आर बार उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं वहीं से ये चीज लिंकअप कर रखा है। तो आप ध्यान से देखो इस चीज की वैल्यू अगर आप निकालोगे ये डेफिनेटली एप्साइलन से कम आएगा, आप कैलकुलेट करके देखना, ये भी कैलकुलेट करोगे एप्साइलन से कम आएगा, किसी भी एप्साइलन की हम एक वैल्यू ले लेंगे तो ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी वैसे तो, लेकिन हम एप्साइलन की वैल्यू नहीं लिए फिर भी लॉजिक से समझो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर अब कम आएगी एप्साइलन से डेफिनेटली, ये श्योर है। क्यों देखो, आप पहले सिंगल जीरो भेजते थे जीरो के करस्पॉन्डिंग और उसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी क्या होती थी एप्साइलन, अब आपने तीन जीरो भेजे, नॉर्मली ऑड नंबर आप जीरोज ही भेजते हैं है ना, क्योंकि मेजोरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा पाए, इवन नंबर के केस में मेजोरिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा फिर ये डिकोडर प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए ऑड नंबर लेते हैं क्योंकि मेजोरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा पाए, अगर इवन भेजोगे तो कैसे करोगे कि मेजोरिटी, उसमें मेजोरिटी डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, फिर वो डिकोडर जीरो डिकोड करेगा कि वन, मान लो दो आप बिट भेज रहे हो और कह रहे हो कि मेजोरिटी अगर वन होंगे तो वन लेंगे, मेजोरिटी अगर जीरो होंगे तो जीरो लेंगे, तो अब अगर दोनों में दोनों जीरो होंगे तभी एज ए जीरो वो डिकोड कर पाएगा, दोनों वन भेजा और दोनों एज ए वन मिले तभी वो वन डिकोड कर पाएगा, अगर वन जीरो आ गए या जीरो वन आ गए
तो उसमें तो मेजोरिटी ना तो वन की है ना तो जीरो की है, तो वो डिकोड ही नहीं कर पाएगा कि जीरो भेजा गया था कि वन भेजा गया था। इसीलिए इवन नंबर नहीं लेते हैं। ऑड नंबर में मेजोरिटी आप हमेशा डिफाइन कर सकते हो किसी की भी, जीरो की या वन की। तो ऑड नंबर के करस्पॉन्डिंग ही ये डिकोडर प्रॉपरली काम कर पाएगा, इवन नंबर के केस में नहीं। अब देखो हुआ क्या, पहले हम एक सिंगल जीरो भेजते थे उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एप्साइलन होती थी, है ना, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या होती थी एप्साइलन, और एक सिंगल वन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एप्साइलन होती थी। अब हमने इनकोडर का यूज करके सिंगल जीरो के करस्पॉन्डिंग तीन जीरोस भेजे, तीन ट्रांसमिशन किए, तीन जीरो भेजे, दो जीरो अटैच कर दिए। अब देखो एक जीरो में आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एप्साइलन है, हमने मल्टीपल जीरो भेज दिया। अब देखो एरर कब पॉसिबल है, एक सिंगल जीरो भेज रहे तो उसमें एप्साइलन की एरर आ सकती है। अब हमने सिंगल जीरो के करस्पॉन्डिंग तीन जीरो भेजे और डिकोडर क्या कह रहा है, जब इसमें से मेजॉरिटी ऑफ जीरो एरर में रिसीव होंगे तभी मैं एरर में रिसीव करूंगा, है ना, तभी मेरे यहां एरर दिखेगी। क्यों? क्योंकि अगर इसमें से मेजॉरिटी ऑफ जीरो अगर वन हो जाएंगे, दो या तीन, तभी तो ये डिकोडर उसको वन डिकोड करेगा। मतलब मेजॉरिटी ऑफ जीरो अगर एरर में रिसीव हुए, मतलब मेजॉरिटी ऑफ जीरो वन में कैसे रिसीव होंगे, जब वो एरर में रिसीव होंगे तभी, तो मेजॉरिटी ऑफ जीरो में अगर एरर आएगा तभी डिकोडर डिकोड करते वक्त शो करेगा कि जो बिट आपने भेजी थी वो एरर में रिसीव हुई या जीरो एज ए वन रिसीव हुआ। अब देखो मतलब आप एरर को क्या कर रहे हो, मेजॉरिटी के टर्म में क्या कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो। तो अब पॉसिबिलिटी, अब देखो क्या है, एक सिंगल जीरो में तो पॉसिबिलिटी क्या थी एप्साइलन की, लेकिन अब आप कह रहे हो मैं तीन जीरो भेजूंगा, उसमें से जब तक दो जीरो या तीनों जीरो एरर में नहीं होंगे तब तक मेरा एरर नहीं आएगा। तो अब देखो ध्यान से ना, एरर को आपने क्या कर दिया और ज्यादा क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। ध्यान से सोचो, अब जब तक दो जीरो एरर में नहीं होंगे तब तक एरर नहीं हो सकती। पॉसिबिलिटी क्या है, जब तक दो जीरो एरर में ना हो जाए तब तक ये एरर में रिसीव नहीं करेगा, या तीन जीरो एरर में रिसीव ना हो। जबकि एक सिंगल जीरो जब भेज रहे थे वही अगर एरर में आ गया तो सीधे एरर हो गई, लेकिन यहां क्या, जब आपने तीन जीरो भेजा तो आपने कुशनिंग कर दी दो जीरो की। अगर ये जीरो रिसीव में हुआ, एक इसमें से रिसीव हो गया, बाकी दोनों जीरो अगर एरर में नहीं हुए तो भी आपका एरर क्या हो गया, अवॉइड हो गया, है ना। आपने इस वाले जीरो में एरर आ गई लेकिन बाकी दोनों में नहीं आई तो भी आपका एरर क्या हो गया, अवॉइड हो गया। इस वाले जीरो में एरर आ गई बाकी दोनों में नहीं आई तो भी एरर क्या हो गया, अवॉइड हो गया। जो एरर थी आपने तीन जीरो के ऊपर आपने क्या कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। जो एक सिंगल जीरो की एरर थी आपने एक तरह से तीन जीरो के ऊपर क्या कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो ओवरऑल एक सिंगल जीरो में एरर क्या आ गई, कम आएगी। ये वैल्यू आप निकाल के देखना, डेफिनेटली कम आएगी, हो ही नहीं सकता नहीं आएगी, है ना। अब जब तक दो में एरर नहीं आ जाए एक साथ तब तक यहां एरर नहीं हो सकती, है ना। तो दो में एक साथ एरर के आने की पॉसिबिलिटी और कम होगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है। एक में तो सिंगल सीधे एप्साइलन है, दो में एरर होने के चांसेस और कम होंगे, तीन में एरर होने के एक साथ तीनों में एरर आ जाए इसके चांसेस और कम होंगे, है ना। चार एक साथ होने के चांसेस और कम होंगे। जैसे लेट से एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, अगली बार फिर हेड आ जाए दूसरे टास्क में, पहली बार टास्क में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरी बार भी हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों पहली बार भी हेड आ जाए दूसरी बार भी हेड आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, 1/2, 1/4। मतलब दो बार लगातार हेड आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी और कम होगी, तीन बार लगातार हेड आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी और कम होगी, 1/2 × 1/2 × 1/2 क्या 1/8। इसीलिए यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है, एक बिट एरर में होने की प्रोबेबिलिटी तो एप्साइलन है, दो बिट अब एक साथ एरर में हो जाए तभी तो यहां एरर में रिसीव होगा, तीन में से कम दो अगर एरर में आ जाएंगे तभी तो यहां डिकोडर उसको वन करेगा। तो दो बिट के जीरो में होने की पॉसिबिलिटी या एरर और कम हो जाएगी, तीनों के एरर में होने की पॉसिबिलिटी तो और कम हो जाएगी, है ना, तीनों एक साथ हो जाए। तो आपने क्या किया, एक जीरो का एरर मल्टीपल जीरो पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और मेजॉरिटी वाले कॉन्सेप्ट से ओवरऑल एरर क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। आप एक सिंगल जीरो के ट्रांसमिशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ये वैल्यू डेफिनेटली एप्साइलन से कम होगी, आप सॉल्व करके देख लेना, उसको जो भी मेथड हो उससे सॉल्व करके आप देखना, इट विल कम आउट, डेफिनेटली कम आउट टू बी लेसर देन एप्साइलन, फॉर श्योर, है ना, फॉर श्योर। तो जीरो में एरर आ गई पी जीरो इतनी, वन में एरर आ गई इतनी। अब अगर इस केस में भी एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर पूछ देते, इस केस में भी अगर आपसे एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर पूछ देते, समझ में आई बात, है ना, तो हम मल्टीपल जीरो और हम हमेशा आठ क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट लगा पाए। तो जब मेजॉरिटी ऑफ जीरो एरर में आएंगे तभी एरर पॉसिबल है, जिसकी पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, है ना। एक सिंगल जीरो में एरर होने की प्रोबेबिलिटी तो एप्सिलॉन थी, अब मेजॉरिटी ऑफ जीरो में एरर आ जाए तब जाके जीरो क्या होगा,
रिसीव होगा एरर में एज ए वन, तो उसकी पॉसिबिलिटी अब पहले से कम होगी, है ना। बहुत सारे में एरर आ जाए तब जाके वो पॉसिबल है, और बहुत सारे में एरर एक साथ आना लेस लाइकली होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये कॉन्सेप्ट हमने लगाया। अब अगर मैं कहूं जो यक्स जीरो और वन की प्रोबेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वन माइनस अल्फा था, अब ये जो मेजोरिटी वाला हमने कॉन्सेप्ट लिया, इस केस में एवरेज प्रोबेबिलिटी एरर क्या होगी? इस केस में भी एवरेज प्रोबेबिलिटी एरर पूछ सकते हैं। तो मैं फिर से वही लूंगा, 100 मैंने बिट्स ट्रांसमिट किए लेट से, तो 100 मैंने जीरो ट्रांसमिट किए, और 100 इंटू वन माइनस अल्फा, 100 इंटू अल्फा जीरो ट्रांसमिट किए, 100 इंटू वन माइनस अल्फा वन ट्रांसमिट किए, तो टोटल एरर इन जीरो कितना हो जाएगा? इवन। इवन कितना होगा? 100 अल्फा जीरोज हैं और एक सिंगल जीरो में अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कितनी है? P0 के बराबर है, एंड दैट विल डेफिनेटली बी लेसर देन एप्सिलॉन। P0 प्लस, है ना, प्लस नहीं, और E2, टोटल एरर इन ऑल 101 माइनस अल्फा वंस कितना होगा? 101 माइनस अल्फा इनटू एक वन में अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या हो गई? एप्सिलॉन से कम हो गई, वो P1 के बराबर है। P0 और P1 ऑब्वियसली सेम है, ध्यान से देखो अगर कंपेयर करो फार्मूला तो सेम ही आ रहा है, ठीक है ना, सेम ही आ रहा है फार्मूला, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कितनी हो गई एक सिंगल बिट में? E1 प्लस E2 टोटल एरर इन 100 बिट्स डिवाइडेड बाई 100, तो ये क्या आ जाएगा? देखो 100 अल्फा इंटू P0 प्लस 100 1 माइनस अल्फा इंटू P1 को मैं P0 लिख सकता हूं, सेम है, डिवाइडेड बाई 100, 100 100 दोनों जगह से कैंसिल, यहां से अल्फा P0 प्लस 1 माइनस अल्फा P0, P0 माइनस अल्फा P0, ये बचेगा केवल क्या? P0 के बराबर बचेगा। तो अब एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर P0 ही आएगा। क्यों ना आया? क्योंकि अब जो हम मेजोरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा के ओवरऑल जीरो में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एप्सिलॉन से कम कर दिए, और ओवरऑल वन में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एप्सिलॉन से कम कर दिए, लेकिन ध्यान से देखो अभी भी जीरो में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वही वन में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है, दोनों में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर अब भी क्या है? बाइनरी सिमेट्रिक चैनल के केस में सेम है। तो एवरेज किसी बिट में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कितनी होगी? जीरो में भी जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वही है, वन में भी भेजेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वही है, तो एक सिंगल बिट कोई भी भेजें उसमें एवरेज अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या होगी? दोनों जब सेम है तो उसी के बराबर होगी, जैसा पहला केस आया था दोनों के एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एप्सिलॉन आई थी, अब एवरेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इस P0 या P1 के बराबर आएगी। समझ में मेरी बात आई इतनी? तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, और बहुत दिमाग लगा के बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है। यहीं पे 3 की जगह 5 भी कर सकते थे, 7 भी, हमेशा ऑड नंबर लेंगे ताकि मेजोरिटी वाला कॉन्सेप्ट डिकोडर पे अप्लाई कर पाए। इवन नंबर ले लोगे तो मेजोरिटी वाला जब कॉन्सेप्ट लगाओगे, चलो दोनों जीरो दोनों वन आए, तब तो मेजोरिटी लग जाएगा कि सारे वन है, इवन के केस में सारे जीरो है तो मेजोरिटी लग जाएगा। जब आधे जीरो आधे वन हो जाएंगे तो किसको मेजोरिटी मानोगे? डिकोडर डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। जब डिसीजन ही नहीं ले पाएगा तो आप, जब डिसीजन मेकिंग ही नहीं डिकोडर के पास है तब तो एरर के चांसेस और बढ़ गए, क्योंकि डिकोडर जब डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है क्या आया है, जीरो आया कि वन, तब तो एरर और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि आपको पता ही नहीं रिसीवर को कि मेरे पास आ क्या रहा है, तब तो एकदम ही बेकार हो गई सिचुएशन, ठीक है ना। इसीलिए ऑड नंबर हमेशा चूज करते हैं, और इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, है ना। कोई फार्मूला मैं नहीं रटवाऊंगा, लॉजिक वही, एक ही टास्क को कई बार टास्क करो, एक ही डाइस को कई बार फेंचो, उससे लिंक करो। जब मल्टीपल बिट्स किसी पे ट्रांसमिट की जाती है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आपसे पूछी जाती है, इतने पॉसिबिलिटीज थे, इससे ज्यादा कुछ बाहर नहीं आ सकता। अगर इसको समझ लियो तो फिर कितना भी टिपिकल आए इन्हीं के कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं इधर उधर रिलेट करना होगा, वो आपको आना चाहिए, इतनी थिंकिंग को तो आपको भी बिल्डअप करनी पड़ेगी, है ना। आप कहोगे कि गेट में कोई नया क्वेश्चन आ गया सर कैसे, आप जो इन्फॉर्मेशन पढ़े हो, मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस यहाँ बताया जा रहा है, सोचने का तरीका बताया जा रहा है, आप थिंकिंग एबिलिटी बिल्ड करो और उसको एक्सट्रापोलेट करने की कोशिश करो अपने क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसके साथ? प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन के साथ, इन केस ऑफ बाइनरी सिमेट्रिक, और यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। उसके बाद बाइनरी एसिमेट्रिक चैनल को पकड़ेंगे, उसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं है, उसमें डायरेक्टली मैं फार्मूला लिखूंगा क्योंकि उसका डेरिवेशन तो बहुत टिपिकल होता है,
पार्शियल डिफरेंशिएशन ओशन करना पड़ता, तो मैं डायरेक्टली फार्मूला लिखूंगा जहां से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए पढ़ा रहा हूं उसको, ठीक है ना। तो उसके केस में भी ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा और आपको निकलवा के दिखाऊंगा। तो लॉजिक लगाओ, चीजों को बेसिक मैथ से रिलेट करना सीखो, जो छोटी छोटी चीजें पढ़ाए हो उसको एक्स्ट्रापोलेट करो, इंटर रिलेट करो, इंटरपोलेट करो, ताकि चीजें आप जो नई चीज है उसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच। Oh, 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 oh